हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज मैं आपका अपना एनएस सर, एकेडमिक हेड एंड डिप्टी डायरेक्टर मोशन आईटी जी, आपके लिए लेकर के आया हूं मैथ्स के एडवांस के पेपर वन के सॉल्यूशंस। जैसा कि कल पेपर हुआ है और रात में जेई ने ऑफिशियल पेपर रिलीज़ किया, उसके बेसिस पे ये सॉल्यूशन जनरेट हुए हैं। अभी ऑफिशियली आंसर की आई नहीं है, तो एक टेंटेटिव आंसर की होगी। आइए अब हम देखते हैं किस लेवल का पेपर था, कैसा पेपर था और बच्चों का क्या हुआ। आप सब अपने स्कोर्स को इस आंसर की से मैच करके अपडेट कर सकते हैं। मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स का पेपर एज यूजुअल जैसा आता है ऑलमोस्ट वैसा आया है। कोई बहुत ही डिजास्टिकली चेंजेस नहीं है, बहुत टफ नहीं है कि डूएबल क्वेश्चन ही ना हो इसके अंदर। कुछ क्वेश्चन ट्रिकी हैं जो कि लगेंगे लंबे लेकिन हो बहुत छोटे तरीके से रहे हैं या बहुत शॉर्ट वे में हो रहे हैं और ऑलमोस्ट ठीक ठीक चीज़ें पूछी गई हैं। तो बिना टाइम गवाए आइए स्टार्ट करते हैं आपका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मैथ्स का पेपर वन। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि सिंगल करेक्ट है, पैटर्न आप लोगों ने देख ही रखा होगा ऑलरेडी, हम लोगों ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल रखा है सब कुछ, किस तरीके का पैटर्न था, किस तरीके की मार्किंग थी। ठीक है, तो उसके बारे में बहुत बात नहीं करते। तो जो पहला क्वेश्चन आपके पास है, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है, ये क्वेश्चन किस चैप्टर से है, क्या है इसका कंसेप्ट उसको देखते हैं, फिर क्या आंसर है वो देखते हैं। उसने बोला है एक फंक्शन है कंटिन्यूअसली डिफरेंशियबल फंक्शन ऑन द इंटरवल 0 से इन्फिनेटिव सच दैट एफ ऑफ वन की वैल्यू 2 दे रखी है उसने, और उसने बोला है कि एक लिमिटिंग लिमिट है जिसकी वैल्यू 1 के बराबर आ रही है फॉर एक्स ग्रेटर देन, फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0 एफ एक्स क्या होगा। आंसर बी आ रहा है इसका, कैसे आता है ये वो समझते हैं। तो पहले मैं इस एक्सप्रेशन को लिखूंगा, तो आपके पास एक्सप्रेशन है लिमिट टी अप्रोचेस टू एक्स, टी की पावर 10 एफ एक्स, टी की पावर 10 एफ एक्स माइनस एक्स की पावर 10 एफ टी, एक्स की पावर 10 एफ टी डिवाइडेड बाई टी की पावर 9 माइनस एक्स की पावर 9 इज इक्वल्स टू 1। जैसे कि आप देख रहे होंगे एक लिमिट का क्वेश्चन है, और अगर हम इसके फॉर्म को चेक करेंगे टी एफ टू एक्स में, तो बन जाएगा एक्स की पावर 10 इंटू एफ एक्स माइनस एक्स की पावर 10 इंटू एफ एक्स, तो ये 0/0 का फॉर्मेट आएगा। और क्योंकि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है, कैसे पता है हमें, उसने दे रखा है कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन, तो हम इस पर लॉपिटल लगा सकते हैं। तो आइए लॉपिटल लगाएंगे, तो बन जाएगा 10 टी की पावर 9, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है ध्यान रखिएगा आप लोग, माइनस एक्स की पावर 10 इंटू एफ डैश ऑफ टी डिवाइडेड बाई 9 इंटू टी की पावर 8, और लिमिट चल रही है टी अप्रोचेस टू एक्स, करेक्ट है, इस लिमिट की वैल्यू 1 के बराबर दी गई है। तो अब हमने क्या किया, इसमें लिमिट लगा दिया। जैसे आप लिमिट लगाएंगे वैसे एक्सप्रेशन क्या बनती है ये उसको समझते हैं। तो वो बनेगी 10 इंटू एक्स की पावर 9 इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स की पावर 10 इंटू एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 9 इंटू एक्स की पावर 8। चेक कर लेना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो बच्चों, ठीक है। इसकी वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 1 के बराबर, जब मैंने इसमें लिमिट अप्लाई कर दी। तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, क्या बनेगी वो देख लेते हैं। तो बनेगी 10 बाई 9 इंटू एक्स टाइम्स ऑफ वाई, इसको मैं वाई से रिप्लेस कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाई डैश से, माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 9 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। यहाँ से हम सिंप्लीफाई करते हैं तो एक्सप्रेशन क्या बन के आती है ये वो देखते हैं। तो अपने पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर बच्चा माइनस का 10 एक्स वाई नेगेटिव को एडजस्ट कर दिया प्लस का इक्वल्स टू माइनस का 9, ठीक है। एक्स स्क्वायर से थोड़ा सा डिवाइड कर देते हैं तो बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस का 10 बाई एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू माइनस का 9 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया ये हमारे पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और जैसे कि आप लोग को पता है ये एप्लीकेशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन था, एक ठीक ठाक क्वेश्चन था, बहुत ईजी भी नहीं था, बहुत टफ भी नहीं था, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा आई एफ इंडिकेटिंग फैक्टर इसका बन जाएगा e की पावर इंटीग्रल माइनस 10
10 by x, तो minus 10 by x times of dx, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई करके आ जाएगा e की पावर माइनस 10 ln x, तो ये बेसिकली बन जाएगा x की पावर माइनस 10। तो जिसका सोल्यूशन आएगा वो आ जाएगा y इंटू आई एफ दैट इज x की पावर माइनस 10 इज इक्वल्स टू इंटीग्रल g दैट इज माइनस 9 बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर माइनस 10 टाइम्स ऑफ dx। तो बन जाएगा y अपॉन x की पावर 10 इज इक्वल्स टू माइनस का 9, ये दो है 12 हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का 11 x की पावर माइनस 11 आएगा, प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। c निकालने के लिए उसने आपको एक डाटा दे रखा है, अगर आप ध्यान देखेंगे f ऑफ 1 की वैल्यू 2 है, तो c निकालने के लिए मैंने f ऑफ 1 का यूज़ किया, तो मैंने f ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 का यूज़ करना है। f ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 का मतलब हो गया बच्चों, हम x को 1 रखेंगे y को 2 रखेंगे, तो 2 बाई 1 इज इक्वल टू 9 बाई 11 प्लस का c। तो यहाँ से हमने c को चेक किया तो c इज इक्वल टू आ गया 22 माइनस 9 थर्टीन बाई इलेवन। तो c की वैल्यू होगी 13 बाई 11। c की वैल्यू पुट करेंगे तो फाइनली हमारे पास फंक्शन एफ एक्स आ जाएगा, इसे पुट कर रहे तो आ जाएगा 9 बाई 11 इंटू 1 बाई एक्स प्लस का 13 बाई 11 इंटू एक्स की पावर 10। यानी कि बेसिकली ये एक्सप्रेशन आई है 9 बाई 11 एक्स प्लस 13 बाई 11 एक्स की पावर 10 हमारा फंक्शन आया। आइए आंसर चेक करते हैं, 9 बाई 11 एक्स प्लस 13 बाई 11 एक्स की पावर 10 हमारा फंक्शन आया। तो जो करेक्ट आंसर आया है वो आया है आंसर नंबर बी। तो बच्चों ये किस चैप्टर पे अगर आप इसकी बात करेंगे मुझसे, कई बच्चे बोले सर ये लिमिट में है, लिमिट में नहीं है बेसिकली, ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है बच्चों, तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर का क्वेश्चन था, क्योंकि लिमिट में तो लॉपिटल का सिर्फ यूज़ करके उसने एलडी बनाई है, ठीक है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन था, किस लेवल का आप इसको बोलेंगे सर, तो मेरे हिसाब से तो ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है, जो मेंस में अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए मैं इसको इजी प्लस या मीडियम कैटेगरी बोलूँगा। कम्प्लीटली इजी नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन हाँ इजी प्लस और मीडियम में बोल सकता हूँ, कि कुछ बच्चे इन सारी जगहों पे जो अपन ने कैलकुलेशन करी थी, जैसे ये है या तो यहाँ पे कहीं, इसको क्रिएट करने में, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने में थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी है, फास्ट कैलकुलेटिव है, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालने, बट ये 13 बाई 11 लिखा हुआ है, अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रहा तो मैं इसको साफ कर देता हूँ, 13 बाई 11 लिखा हुआ है ये। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन, होपफुली ये क्वेश्चन आप सबका सही हुआ होगा और आप सब ने मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग 3 नंबर गेन किए होंगे, तो होपफुली जो बच्चे ये सोल्यूशन को देख रहे होंगे उनके 3 नंबर पैक हो चुके होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, चलिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, अ स्टूडेंट अपीयर फॉर अ क्विज कंसिस्टिंग ऑफ ओनली 2 एंड फॉल्स टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर ऑल द क्वेश्चंस, द स्टूडेंट नो द आंसर ऑफ सम क्वेश्चन एंड गेसेस द आंसर फॉर द रिमेनिंग क्वेश्चन। व्हेनेवर द स्टूडेंट नो द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन, व्हेनेवर द स्टूडेंट नो द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन ही गिव द करेक्ट आंसर। ठीक है, जब उसको आंसर पता है, कॉमन सी बात है, जब उसको आंसर पता है तो करेक्ट आंसर दिया होगा। Assume that the probability of the student giving the correct answer of a question given that it is guessed. जब वो guess कर रहा है और answer आ रहा है, correct answer दे रहा है, जब वो guess कर रहा है, इस बात की probability दे रखी है। Also assume that the probability of the answer of a question being guessed, given that the student answer is correct, is 1/6. Then the probability that the student know the answer of the randomly chosen question. ठीक है, किसी randomly chosen question की probability क्या होगी ये बताना है। ठीक है, तो basically बच्चों ये probability का question का क्वेश्चन है, तो चैप्टर कौन सा है बात करना है, तो ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर है। पहली चीज, किस चैप्टर का क्वेश्चन है, तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर का क्वेश्चन है। आइए अब बात करते हैं, तो क्या क्या कह रहा है उसको हम लोग वर्कआउट कर लेते हैं। व्हेनेवर द स्टूडेंट नो द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन ही गिव द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी करेक्ट आंसर दे रहा है वो, ठीक है, ही नो द आंसर, प्रोबेबिलिटी ही गेस द आंसर, दो चीज़ें तो ये हैं। फिर है आंसर करेक्ट आ रहा है जब वो उसको पता था, प्रोबेबिलिटी आंसर करेक्ट आ रहा है जब वो गेस कर रहा है, ये चार
चीज़ें अपने पास होती, ठीक है, क्या क्या दिया ये उसको समझते हैं। उसने मुझे दंदर प्रॉपर्टी दर्द नो द आंसर ऑफ रैंडमली चूजन क्वेश्चन, तो रैंडमली चूजन क्वेश्चन का आंसर ही उसको पता था इस बात की प्रॉपर्टी बतानी, तो मैंने मान ली प्रॉपर्टी एक्स थी, तो अब बेसी बात है या तो उसको पता होगा या तो वो गैस कर रहा है, अगर गैस कर रहा होगा तो उस बात की प्रॉपर्टी 1-x बचेगी, ठीक है। करेक्ट आंसर आएगा जब उसको आंसर पता था इस बात की प्रॉपर्टी 1 है, श्योर शॉर्ट चीज़ है। करेक्ट आंसर आया जब उसने गैस किया है इस बात की प्रॉपर्टी शायद दी गई है, करेक्ट आंसर आया जब उसने गैस किया है इस बात की प्रॉपर्टी गिविंग द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन गिवन दैट द आंसर इज गैस इज 1/2, तो ये 1/2 है, करेक्ट आंसर है जब उसने गैस किया। एक चीज़ और गिवन है, क्या गिवन है, एज्यूम दैट द प्रॉबर्टी ऑफ द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन बींग गैस गिवन दैट द स्टूडेंट आंसर इज करेक्ट, ठीक है। तो एक चीज़ और नहीं दी हमको, वो क्या दिया ये उसको समझते हैं, वहीं से क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब क्या हमको बोल रखा है कि आंसर करेक्ट आ चुका था गिवन जब उसने गैस किया, तो गैस किया करेक्ट आंसर का इस बात की प्रॉबर्टी है अपने पास 1/6, तो हम इसी से कहानी शुरू करते हैं। तो इसके फॉर्मूला पे अगर वर्कआउट करोगे तो आपके पास आएगा आंसर करेक्ट आया, करेक्ट है, ये कंडीशनल प्रॉबर्टी का क्वेश्चन है, जी गिवन सी की वो बात कर रहा है, तो प्रॉबर्टी ऑफ जी गिवन सी करेक्ट है, प्रॉबर्टी ऑफ जी गिवन सी इज नथिंग एज प्रॉबर्टी ऑफ जी इंटू प्रॉबर्टी ऑफ सी गिवन जी डिवाइड बाई करेक्ट आंसर आना। अब करेक्ट आंसर आने के दो ऑप्शन है, प्रॉबर्टी गैस किया हो, करेक्ट आंसर आया जब गैस किया हो, या फिर आंसर पता है, करेक्ट आंसर आया जब आंसर पता है, ही नो द आंसर। इस बात की प्रॉबर्टी 1/6 गिवन थी, गैस करने की प्रॉबर्टी 1/x है, ठीक है, करेक्ट आंसर आएगा जब गैस करेगा इस बात की प्रॉबर्टी 1/2 था अपॉन 1-x इंटू 1/2 प्लस का प्रॉबर्टी ही नो द आंसर इज x, करेक्ट आंसर आएगा ही नो द आंसर इज 1। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो अपने पास आएगा 3-3x शुड बी इक्वल्स टू, ठीक है, 2 से 2 तो कट गया और 6x आएगा और ये बनेगा 1-x प्लस 2x, 1-x प्लस 2x और ये आएगा 6-6x, ठीक है, एक साइड पे लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 5 = 6 और 2 8 में से 1 गया 7x, तो यहाँ से x = आ गया 5/7, ठीक है। तो 5/7 मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी जिनसे पूछी गई थी उसका आंसर कितना है 5/7, तो करस्पॉन्डिंगली जो करेक्ट आंसर है वो आंसर सी आता है इसका, ठीक है, 5/7। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी का था, बेस थ्योरम पे बेस था और कैसा क्वेश्चन था, कोई आपसे पूछा जाएगा कि कैसा क्वेश्चन है ये, तो मेरे हिसाब से ऑलरेडी ये क्वेश्चन हमने उन्होंने नोट्स में करा रखा है, अगर आपने क्लासेस अटेंड करी है, ऑफलाइन स्टूडेंट है, मोशन के हैं, तो आपको ये दिखेगा ये क्लास नोट्स का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत आसानी टाइप का, इस टाइप का क्वेश्चन अपन ने क्लास नोट में करा रखा था, तो इसलिए मैं इसको अगेन ई प्लस या मीडियम डालूंगा। मीडियम उनके लिए जिनको प्रॉबिलिटी में थोड़ा सा डर लगता है या अंग्रेजी समझ में नहीं आती, और ईजी प्लस उनके लिए क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, बहुत ट्रिकी थी कैलकुलेशन थी, और ईजी इसलिए उन बच्चों के लिए जिन्होंने इस क्वेश्चन को ऑलरेडी कर रखा था, ठीक है। तो होपफुली आपके कई बच्चों का ये सही भी हुआ होगा, कुछ बच्चों ने छोड़ा होगा, कई बच्चे प्रॉबिलिटी छोड़ते हैं, मेरा सजेशन उन सारे बच्चों के लिए, देखो बच्चों इस टाइप से क्वेश्चन एडवांस में आते हैं प्रॉबिलिटी के, तो आपको लग रहा होगा ये टफ क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन कहीं से नहीं है, अगर आप इसकी इक्वेशन वगैरह को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, सब चीज़ें प्रॉपरली लिखते जाइए, फॉर्मूला लगा दीजिए, सीधे फॉर्मूले से आंसर मैनिपुलेट हो जाता है। तो होपफुली कई बच्चों का ये सही हुआ होगा, जिनका सही नहीं हुआ है, जो बच्चे सोल्यूशन को देख रहे हैं नेक्स्ट ईयर जेईई देंगे, उन सारे बच्चों के लिए मेरा सजेशन है कि बच्चों आप किसी भी सूरत में प्रॉबिलिटी के क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे, प्रॉपरली पढ़ के PYQs अच्छे से करके जाएंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो जेईई एडवांस में आते हैं वो ईजिली आपसे हो जाएंगे, कोई हवा नहीं है, कोई डर नहीं है प्रॉबिलिटी का। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया है, लेट एक्स इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, लेट एक्स इज इक्वल्स टू π/2 से पाई बी सच दैट कॉट एक्स, अच्छा ये वाला क्वेश्चन ना बच्चों, ये एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और ट्रिग्नोमेट्री फेज 1 का क्वेश्चन है ये। ट्रिग्नोमेट्री फेज 1 का मतलब हम लोग यहाँ पे जो बात करते हैं कोटा सिस्टम में, इसको ट्रिग्नोमेट्री फेज 1 बोला जाता है, यूजुअली ये रेशियो एंड आइडेंटिटी चैप्टर होता है, रेशियो एंड आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज, ठीक है ना, जो यूजुअली हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट, रेशियो एंटी चैप्टर होता है। और दूसरी चीज़ है, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है कंपाउंड एंगल का, सीधे सीधे कंपाउंड एंगल बेस्ड ये क्वेश्चन है। होपफुली ये सारे बच्चों का सही हुआ होगा, क्योंकि इससे आसान क्वेश्चन मुझे नहीं लगता पेपर में कोई भी है,
ठीक है, ये वन ऑफ द ईजिएस्ट क्वेश्चन मेरी नज़र में था। आप मुझसे अभी इसकी रैंकिंग पूछेंगे तो मैं शायद ई ही लिखूंगा या ई माइनस इनफैक्ट लिखने की कोशिश करूंगा मैं, कि मेरे लिए तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये हर बच्चे के लिए। हाँ मानता हूँ यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट आएगा, उस वजह से आंसर मैच कराने में आपको लास्ट मोमेंट पर शायद दिक्कत आ सकती है, बाकी क्वेश्चन में कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। क्या दिया गया ये समझते हैं। उसने दे रखा है आपको कॉटेक्स इज इक्वल्स टू माइनस का 5/√11, कॉटेक्स इज इक्वल्स टू माइनस का 5/√11, ठीक है, और साइन 11 इसको मैं ओपन करके लिख रहा हूँ, तो साइन 11/2x, तो मान लो ये कोई एक्सप्रेशन थी, सम को लिख देता हूँ एस, तो ये लिखा हुआ है साइन 11x/2 इंटू साइन 6x, साइन 6x माइनस का साइन 11x/2 इंटू कॉस 6x माइनस का साइन 11x/2 इंटू कॉस ऑफ 6x प्लस का कॉस 11x/2 इंटू साइन 6x प्लस का कॉस 11x/2 इंटू साइन 6x कॉस 11x/2 इंटू कॉस 6x प्लस का कॉस 11x/2 इंटू कॉस 6x, ठीक है। ये चार टर्म दिए हुए थे बच्चों, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस है, सिर्फ साइन ए माइनस बी कॉस ऑफ ए माइनस बी जो फॉर्मूले हम लोग पढ़ते हैं उसी का एप्लीकेशन है। तो अपन क्या कर रहे हैं, इसको पहले वाले और लास्ट वाले को क्लब कर रहे हैं, सेकेंड और थर्ड को क्लब कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या बन रही जा रही है एक्सप्रेशन, ध्यान से ऑब्जर्व करना, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, तो बन जाएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी का होता है 6x माइनस का 11x/2, ठीक है। इसमें से क्या कर रहा है अपन ने, प्लस ले लिया और ये लिखा है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो इसको अपन ने पढ़ा, तो ये अपने पास आ गया साइन ऑफ 6x ए माइनस बी माइनस का 11x/2, कुछ भी नहीं है, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये बन गया कॉस ऑफ x/2 प्लस का साइन ऑफ x/2। अब इतना आपको श्योर है कि जो भी आपको x दिया गया था वो 0 से पाई बाई 2 से पाई मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में दिया गया है। अगर x आपका सेकंड क्वाड्रेंट में था, अगर x आपका सेकंड क्वाड्रेंट में था तो दुनिया में कुछ भी हो जाए, दुनिया में कुछ भी हो जाए, आपका x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने की वजह से दोनों पॉजिटिव होंगे। तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 1 + sin x, जो कि फॉर्मूला होता है साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। मॉड में नहीं खुला, क्यों नहीं खुला, क्योंकि दोनों पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि ये x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू आ गई बच्चा 1 प्लस, अब साइन 6x है, सॉरी साइन x है, अब ये साइन x मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, तो कॉट x अगर -5/11 था तो कॉट नेगेटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साइन डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। यहाँ से साइन x इक्वल्स टू आ जाएगा अपना 5/11 है ना, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 5/11 बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 5/11 तो यह आ जाएगा 5/√11 तो ये बन जाएगा √11, ये बन जाएगा √11, ओके। अब ये 25 + 11 = 36, तो √11/6 आ गया, ये यानी ये बन जाएगा 1 + √11/6। इसको अपन ऐसे पढ़ सकते थे अंडर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं इसको, तो 12 + √11, बस यही यहाँ पे ट्रिक थी। ये आंसर आपको दिखेगा नहीं, आपको आंसर ये लाना पड़ेगा, इस आंसर के लिए आपको परफेक्ट स्क्वायर का कंसेप्ट यूज़ करना पड़ेगा, 11 + 1 है, तो ये √11 + 1/12 करेक्ट है, इसका होल स्क्वायर का रूट है ये, तो अल्टीमेटली आ जाएगा √11 + 1/12 मतलब 4 × 3 √3, ये इसका आंसर आएगा √11 + 1/2√3। आंसर चेक कर लेते, √11 + 1/2√3 मतलब करेक्ट आंसर बी आएगा। तो अगर आपने ध्यान से देखा बच्चों, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत डायरेक्ट था, मतलब ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन एडवांस का जो मैं हमेशा आप लोगों से बोलता हूँ कि पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन हर बच्चे के लिए दिए जाते हैं एडवांस के पेपर्स में, तो ये उनमें से एक क्वेश्चन है जो हर बच्चे के लिए दिया गया था, कहीं भी कोई इसमें रॉकेट साइंस कैलकुलेशन नहीं थी। तो होपफुली आप सबका ये सही हुआ होगा, जिन भी बच्चों ने एडवांस पर अटेम्प्ट किया है पेपर वन उनका सबका ये क्वेश्चन तो सही हुआ होगा। हाँ मानता हूँ यहाँ से ये पहुँचना, इस स्टेप से इस स्टेप में जाना एक ट्रिक थी इस क्वेश्चन के अंदर की, बट बहुत रॉकेट साइंस नहीं था, आप चाहते तो ऑप्शन से मैच भी करवा करके चेक कर सकते थे, इट इज़ क्वाइट ईजी फॉर यू टू कैलकुलेट, ठीक है। चलिए तो होपफुली ये सब सही हुआ होगा, अब अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्या कह रहा है वो, एक इलिप्स का क्वेश्चन दिया गया, कंसीडर एन इलिप्स, इस पर एक पॉइंट है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, उससे 2 टेंजेंट ड्रॉ करी गई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस तरीके से आउटसाइड है बेटा, कंडीशन दे रखी है उसने आउटसाइड की,
ठीक है, इस तरीके से कि जो टेंजेंट ड्रॉ करी गई है उसमें से एक टेंजेंट मीट करे इलिप्स की एट द वन एंड ऑफ द माइनर एक्सिस एंड द अदर मीट एट द पॉइंट टी इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, फिर आर उसने वर्टेक्स दे रखा है, ठीक है, क्या करा जाए ये समझते हैं। तो पहले तो आप इलिप्स के लिए ए की वैल्यू 3 दे रखी है, बी की वैल्यू 2 दे रखी है, तो हमारे पास एक कैसा इलिप्स आएगा, हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स आएगा, ठीक है। इस इलिप्स पे उसने एक पॉइंट आउटसाइड से दो टेंजेंट ड्रॉ करी है, इस तरीके से ड्रॉ करिए बच्चा कि एक टेंजेंट तो ये आ गई ऐसे मान लो, और एक टेंजेंट जो उसको फोर्थ क्वाड्रेंट में मीट करती कहीं यहाँ टी पे, ये पॉइंट ऐसा हो गया, इसके क्वाड्रेंट उसने पी कॉमा क्यू दे रखे हैं, ये पॉइंट ऑटोमेटिकली 0.2 होगा क्योंकि सेमी माइनर एक्सिस का एंड पॉइंट है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से कंपेयर करेंगे तो यहाँ से क्यू तो आपका सीधे सीधे 2 आ गया, अब क्यू 2 आते ही आपका जय माता दी का 50% प्रॉबिलिटी बढ़ गई। देखो क्यों बढ़ गई वो बता देता हूँ, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो देखो क्यू 1 के दो ऑप्शन दिए होते सी और डी तो वो तो रिजेक्ट होगा, आंसर ए और बी में आना है, बाई डिफॉल्ट आंसर ए आ रहा है, अपन कैलकुलेट करके दिखाएंगे, तो सी और डी तो आपका रिजेक्ट हो गया इमीडिएटली, ठीक है। अब आपको 3√3 या 4√3 और कैलकुलेट करना है पी के लिए, तो क्या करा जा रहा है ये वो समझते हैं। फिर उसने बोला है जो उससे करस्पॉन्डिंग इस पॉइंट को उसने आर बोला, इस पॉइंट को ओ और आर बोला, वो बोला इस ट्राइंगल का एरिया 3/2 दे रखा है, मैंने क्या किया इस पॉइंट को x1, y1 मान लिया बच्चा। अब हमने ट्राइंगल ओ आर टी का एरिया निकाला, ट्राइंगल ओ आर टी का एरिया तो दैट इज गिवन एज 3/2, फॉर्मूला लगा दिया हाफ बेस, बेस मतलब ओ आर और हाइट मतलब टी एम मान लेता हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक की जो है हाइट है ये ऐसे मान लेना ये एम है, ठीक है, ये 3/2 है मॉड के साथ, तो हाफ हो गया, ओ आर की वैल्यू 3 दे रखी थी और टी एम वाई वन के बराबर है, मॉड लेंगे इक्वल्स टू 3/2 आएगा, यहाँ से मॉड ऑफ वाई वन इक्वल्स टू 1 आएगा, तो वाई वन की वैल्यू -1 आ जाएगी, क्यों आएगी उसका रीज़न समझिए, वाई वन नेगेटिव क्यों खुल रहा है, क्यों, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में बैठा हुआ है। अब एक्स वन वाई वन पॉइंट हमारा लिस्ट से बैठा हुआ था, तो वहाँ से मैंने सेटिस्फाई करा करके एक्स वन निकाल लेंगे अपन, तो अपने पास एक्सप्रेशन आ जाएगी एक्स वन का स्क्वायर बाई 9 प्लस का वाई वन का स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू 1, तो एक्स वन स्क्वायर बाई 9 प्लस का वाई वन का स्क्वायर दैट इज अगेन 1/4 इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ से एक्स वन का स्क्वायर से एक्स वन निकाल देंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1-1/4 3/4 27/4, तो 3√3/2, दो वैल्यूज आती है लेकिन हमें सिर्फ पॉजिटिव वाली चाहिए क्योंकि हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब मैंने क्या किया टेंजेंट टू द एलिप्स एट द पॉइंट टी कैलकुलेट कर दिया, तो आ जाएगा एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस का वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, जो कि टेंजेंट पास करेगी पी कॉमा क्यू से, पासेस पी कॉमा 2 क्योंकि क्यू ऑलरेडी 2 निकाल चुका हूँ मैं, सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो तो पी आ गया एक्स वन आ गया 3√3/2/9 प्लस का y इंटू -1 मतलब 2 × -1 अपॉन 4 इक्वल्स टू 1, यहाँ से p की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो आती 3√3, तो p आ गया अपने पास 3√3, q आ चुका अपने पास 2, तो अल्टीमेटली जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आंसर नंबर आ जाएगा a, आंसर नंबर a। तो कहने को ये एलिप्स का क्वेश्चन है, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे, आंसर a। तो कहने को ये एलिप्स का क्वेश्चन था कोनिक सेक्शन में, ठीक है, कंसेप्ट टेंजेंट नॉर्मल का यूज़ हुआ है तो बेसिकली मैं टेंजेंट में डाल रहा हूँ इसको, और किस लेबल का अगर आप बोलोगे, अब लेबल देते वक्त 2-3 चीज़ों को मैं सोचता हूँ, पहला सोचता हूँ कि बच्चा कोनिक से कितना कंफर्टेबल है, डर तो नहीं रहा है, दूसरा कितनी फास्ट वो कैलकुलेशन कर रहा है, तीसरा कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर रहा है, फोटो ड्रॉ नहीं कर पा रहा है, कहीं टाइम लग रहा है उसको अंग्रेजी पढ़ने में, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को मीडियम कैटेगरी दे रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को मीडियम कैटेगरी दे रहा हूँ, ठीक है। तो होपफुली ये भी आप लोग का कई बच्चों का सही हुआ होगा क्योंकि बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, तो हम लोग सिंगल करेक्ट ऑलमोस्ट सारे कर चुके हैं, अब अपन एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं मल्टीपल करेक्ट पे, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अपन सेक्शन 2 पे आ चुके हैं, ठीक है, और सेक्शन 2 के अंदर हमारे पास 1 or more than 1 करेक्ट आंसर है, अभी हम लोग सिंगल करेक्ट की बात कर रहे थे, अब हम सेक्शन 2 पे आ चुके हैं, सेक्शन 2 में हम 1 or more की बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, ये बेसिक कंसेप्ट का क्वेश्चन है, थोड़ा सा बेसिक है, कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं है, कंसेप्ट है, अगर आप उसको सोचेंगे तो बहुत इजीली आप इनके आंसर्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्या हो रहा है वो समझ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 है ये हमारा, ठीक है। उसने बोला है टी1 एक सेट है जिसके -1 + √2 की पावर n है,
अब आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो इसके अंदर जितने भी पेयर्स आएंगे टी वन के अंदर कुछ भी आएंगे, वो सारे के सारे कुछ भी आ जाएं, वो हमेशा अल्फा प्लस रूट टू बीटा के फॉर्मेट में आएंगे 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 बिल्कुल आएंगे, ठीक है। ऐसे मैं टी टू की जब बात करूंगा, अगर मैं बायनोमियल से भी इनको खोलूंगा, किसी भी तरीके से खोलूंगा, तो अल्फा वन बीटा वन कर देता हूं, तो ये अल्फा टू प्लस रूट टू बीटा टू के फॉर्मेट के आएंगे, कुछ भी हो जाए। जैसे वन प्लस रूट टू अगर आप इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये बन जाएगा थ्री प्लस टू रूट टू, करेक्ट है। फिर आप इसको अगर क्यूब कर देंगे, क्योंकि एन तो नेचुरल नंबर दिया गया है, ठीक है, तो ये सारे नंबर जो भी आएंगे वो इन्हीं फॉर्मेट्स के आएंगे। अब उससे पहले ऑप्शन ने बोला है कि जितने भी टी वन यूनियन टी टू हैं, जितने भी टी वन यूनियन टी टू हैं, वो सब एस का सबसेट होंगे। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सबका फॉर्मेट यही आ रहा है, तो कुछ भी हो जाए वो एस का सबसेट होंगे, तो आंसर ए तो ज़रूर आएगा, कुछ भी हो जाए, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अब उससे बी ऑप्शन ने बोला है कि टी वन का इंटरसेक्शन 0 से 1 बाई 24 के बीच में, अगर कोई इंटरवल ले रहा हूँ 0 से 1 बाई 2024, इसके बीच में कोई नंबर टी वन ढूंढू मैं, उसका इंटरसेक्शन फाई आना चाहिए। मतलब कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो 0 से 1 बाई 2024 के बीच में बैठा हो, टी वन में बिलोंग कर रहा हो। तो अगर टी वन में बिलोंग करने वाले नंबर्स की हम बात करेंगे तो उनका फॉर्मेट यह आएगा। अब जैसे मान लो इसमें टी वन मतलब ये वाला फॉर्मेट हमारा, ठीक है ना, इसका सबसे छोटा नंबर ले लो, तो सबसे छोटा नंबर आएगा रूट टू माइनस वन, ठीक है, सबसे पहला नंबर अगर मैं टी वन में लूँ। अब रूट टू माइनस वन लिखा हुआ, इसकी पावर एन, तो रूट टू माइनस वन अपने आप में एक वन से छोटा नंबर है, फ्रैक्शन है, और पावर एन है, और एन हमारा जा रहा है नेचुरल नंबर, खूब बड़े बड़े इंटीजर, तो खूब बड़ा नंबर डाल दो एन में, खूब बड़ा नंबर डाल दो, अपने आप आपको दिख जाएगा कुछ भी हो जाए ये टेंडिंग टूवर्ड जीरो की तरफ आ जाएगा, टेंडिंग टूवर्ड जीरो की तरफ आएगा, मतलब जीरो से तो बड़ा हो ही जाएगा, और जीरो से बड़ा हो जाएगा मतलब इस नंबर में लाई जरूर करेगा, इस नंबर में लाई जरूर करेगा, तो टी वन इसका इंटरसेक्शन कभी भी फाई नहीं हो सकता, इसलिए आंसर बी हमारा इनकरेक्ट है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। उससे सेम कंसेप्ट सी के लिए पूछा, टी टू का इंटरसेक्शन करना है 224 से इन्फिनिटी के बीच में, और वो फाई ना हो, मतलब की बार फाई की बात करें तो कह रहा फाई ना हो। तो जब मैं टी टू की बात करूंगा, लेट अस अस्यूम मैं टी टू लेता हूँ यहाँ पे कोई, ठीक है, अगर मैं टी टू की बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने टी टू लिया, अब टी टू जो भी नंबर होगा वो है 1 प्लस रूट टू की पावर n। अब 1 प्लस रूट टू एक ऐसा नंबर जो 1 से बड़ा है, 1 से बड़े की पावर इन्फिनेटिव, तो वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, खूब बड़ा नंबर हो जाएगा। तो अगर मैं इन्फिनेटिव को इसको टेन कराऊंगा तो ये भी इन्फिनेटिव की तरफ टेन करेगा, जैसे जैसे n आता जाएगा। मान लो मैंने इन्फिनेटिव की जगह पे 1000 रख दिया यहाँ पे, तो 1000 रखते खूब बड़ा नंबर बन जाएगा, डेफिनेटली 2024 को तो क्रॉस कर जाएगा और इन्फिनेटिव से कम होगा, यानी कि इनका कभी भी टी टू के साथ इंटरसेक्शन फाई नहीं आ सकता। उसने बोला फाई नहीं आएगा, यानी ये आंसर सही होगा। अब जो डी वाला पार्ट है वो तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन था, उसने बोला है कि ये जेड को बिलोंग कर रहा है, जेड हमारा क्या है इंटीजर, तो इफ एंड ओनली इफ बी अगर जीरो है तो ऐसा होगा, तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास लिखा हुआ है कॉस ऑफ पाई टाइम्स ऑफ ए प्लस बी रूट टू, ए प्लस बी रूट टू, ठीक है, प्लस आयटा साइन ऑफ पाई टाइम्स ऑफ ए प्लस बी रूट टू, ये बिलोंग्स टू जेड बोल रहा है, यानी प्योर रियल बोल रहा है पहले, जो जेड यहाँ इंटीजर है ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं कर रहा, फॉर एनी गिवन ए बी बिलोंग्स टू जेड, कहीं पे भी स्पेसिफिकेशन नहीं है, जहाँ कहीं भी जेड की बात कर रहा है वो नेचुरल इंटीजर्स की बात कर रहा है वो, ठीक है, इसलिए हम जेड को यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नहीं लेंगे। तो ये अगर जेड को बिलोंग कर रहा है तो इसको हम अप्लाई करके बोलेंगे कि दिस कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो सी से रिप्रेजेंट करो मैं, ठीक है, तो सी इज प्योर रियल। अब सी अगर प्योर रियल है तो इमेजिनरी पार्ट को जीरो होना पड़ेगा, तो यानी साइन ऑफ पाई टाइम्स ऑफ ए प्लस बी रूट टू ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा जीरो, ये जीरो मतलब ए प्लस बी रूट टू कुछ भी हो जाएगा, पाई टाइम्स दिस थिंग शुड बी एन पाई, पाई से पाई कट गया, यानी ए प्लस बी रूट टू कुछ भी हो जाएगा, एक नेचुरल नंबर आएगा। इसको सेटिस्फाई करने वाली से दो ही पॉसिबिलिटी है कि ए हमारा एन हो और बी हमारा जीरो, और कभी भी ये होल्ड ही नहीं करेगा, यानी बी जीरो आ गया। ये हमने लिया है कौन सा पार्ट, इफ पार्ट, ये हमने कौन सा पार्ट लिया, इफ पार्ट, एंड ओनली इफ बोला है उल्टा कर दो। अब उल्टा करने के लिए ध्यान देना यहीं पे, ओनली इफ की बात कर रहा हूँ मैं अगर, तो ओनली इफ के केस में क्या करूँ, ओनली इफ के केस में उसने बोला बी जीरो हो तो ये प्योर रियल होगा, तो बी को जीरो रख दो। तो जैसे ही आप इसको जीरो करोगे, इसको जीरो करोगे, जीरो करते ही इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई आ जाएगा जो कि हमेशा जीरो होगा, तो अल्टीमेटली कॉस थीटा बचेगा, कॉस थीटा अपने आप में एक इंटीजर होता है हमेशा, कॉस पाई थीटा है सॉरी कॉस पाई ए, और ए अपने आप में क्या है इंटीजर, तो ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई ऑफ कॉस, तो कॉस का पाई इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हमेशा या तो प्लस वन देगा या तो माइनस वन देगा, जो कि जेड को बिलोंग कर रहा है, यानी कि इसके करस्पॉन्डिंग आंसर डी भी करेक्ट होगा। तो जो सही आंसर आएगा वो आएगा ए सी डी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, कई बच्चों ने इसको छोड़ा है बिकॉज ऑफ इट्स रिप्रेजेंटेशन। ये है एडवांस की खूबसूरती
क्या खूबसूरती कि वो क्वेश्चन ऐसे डिजाइन करता है लिख लिख करके कि बच्चे को सोचने में मजबूर करे, थॉट प्रोसेस लो आप। दूसरी चीज़ है कि इसको देख करके कई बच्चा छोड़ता है, जबकि छोड़ने वाला क्वेश्चन नहीं था। लेकिन क्योंकि अभी कोई पूछेगा सर ये आप कहाँ डाल रहे हो, तो ये बेसिकली सेट थ्योरी है, कुछ नहीं है। सेट थ्योरी भी ना बोल के मैं नंबर सिस्टम बोलूँगा इनफैक्ट, ठीक है। तो ये सेट थ्योरी बोल दो या नंबर सिस्टम बोल दो, कुछ भी बोल दो आप, नंबर सिस्टम बोल दो आप, ठीक है। कैसा आप इसको बोलोगे लेबल, तो भाई देखो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन की वजह से मैं इसको टफ दे रहा हूँ, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन की वजह से, बाकी कोई रीज़न नहीं है इसको टफ देने का। टफ या मीडियम प्लस, अब आप बोलो सर मैं इसको इजी लिखूँ क्योंकि कुछ किया ही नहीं मैंने, तो ऑब्वियसली तो ओरल क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। ये भी मैं लास्ट वाला पार्ट मैंने जानबूझ के जबरदस्ती कैलकुलेट किया है। मैं इसको यहाँ पे भी आपको बोल सकता था कि बी को जीरो रखो, चेक करो ये प्योर रियल आ गया, प्योर रियल आएगा तो ये जीरो होना चाहिए, ये जीरो होगा तो बी जीरो अपने आप आ जाएगा, करेक्ट है। यानी ये क्वेश्चन भी कई बच्चों ने अटैम्प्ट किया है, उनका सही भी हुआ जिनसे मेरी बात हुई, कईयों ने इसको छोड़ा है, उन बच्चों ने जिनको इनका रिप्रेजेंटेशन देख करके डर लगा तो उनको लगा था बाद में करेंगे, बाद में पहुंच नहीं पाए, तो ये सारे रीज़न थे, इसलिए मैं इसका मीडियम या टफ लेवल बोल रहा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीन नंबर्स हैं, एबीसी एक ट्रिपलेट है जो कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है हर एक्स वाई के लिए जीरो को छोड़ करके, तो विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। तो पहले मैं से इनइक्वालिटी को उठा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैंने वाई से डिवाइड कर दिया तो बन गया ए टाइम्स ऑफ एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर प्लस का टू बी टाइम्स ऑफ एक्स बाई वाई प्लस का सी ग्रेटर देन जीरो, ट्रू फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल एक्सेप्ट जीरो जीरो, ठीक है, एक्सेप्ट जीरो जीरो। तो ये हर एक्स वाई के लिए ट्रू है, तो क्या कंडीशन आएगी इसके लिए, इसको होल्ड करने के लिए? तो एबीसी के बारे में कुछ दिया है क्या उसने? एबीसी रियल नंबर दे रखे हैं उसने, एबीसी रियल नंबर दे रखे हैं उसने, है ना, और इसको पॉजिटिव होना है हर एक्स वाई के लिए। तो इसके लिए कंडीशन ये आएगी कि ए पॉजिटिव हो और इस क्वाड्रेटिक का डी लेस देन जीरो हो। डी मतलब फोर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी विच इज़ लेस देन जीरो, यानी कि बी स्क्वायर लेस देन ए सी, ये आ जाएगा यहाँ, ठीक है। तो ये कंडीशन दे रखी है। अब हम लोग ऑप्शन चेक करना शुरू करते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है 272/26 बिलोंग्स टू एस, तो 2 7 2 6 इसको सेटिस्फाई करा कि नहीं करा चेक कर लो। तो 2 7/2 और 6, 2 7/2 था कि 2/7 था, 7/2 और 6, तो चेक कर लेते हैं इसको। तो यहाँ रख दो, तो बी स्क्वायर लेस देन ए सी में इसको सेटिस्फाई करा रहे हैं, तो बी स्क्वायर मतलब 49/4 आ गया और ए सी मतलब 2 × 6 आ गया, तो 49 आ गया विच इज़ लेस देन 24 × 48, तो 49 < 48 यानी कि ये पॉसिबल नहीं है, यानी ये आंसर रिजेक्ट हो गया, ठीक है। फिर हमारा 3b 1/12 बिलोंग्स टू देन मॉड 2b < 1, 3b 1/12, तो बी आंसर चेक कर लेते हैं। तो बी आंसर के लिए 3b 1/12, ठीक है, 1/12 ये बिलोंग करे एस को, तो एस तो हमारा यही सबको सेटिस्फाई कर रहा है, तो यानी कि 3 होना चाहिए, यानी कि ठीक है ये सेटिस्फाई कर रहा है, इस पे आ जाओ। तो बी स्क्वायर लेस देन ए सी 3 × 1/12, तो बी स्क्वायर लेस देन 1/4, तो मॉड बी लेस देन 1/2, और मॉड बी लेस देन 1/2 होगा, करेक्ट है। तो मॉड बी लेस देन 1/2 यानी 2b < 1, ठीक है, यानी ये आंसर आएगा, ठीक है। तीसरे में देखते हैं, तीसरा तो यही देख लो, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में कह रहा है फॉर ए गिवन सिस्टम लीनियर इक्वेशन दिस हैज अ यूनिक सोल्यूशन, अगर यूनिक सोल्यूशन आना है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, नॉन होमोजीनियस फॉर्म है, तो इसका डेल्टा क्या होना चाहिए? डेल्टा नॉन जीरो होना चाहिए। तो नॉन जीरो होना चाहिए मतलब हो गया डेल्टा हो गया ए बी बी और सी विच इज़ नॉन जीरो, यानी कि बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू ए सी, तो बी स्क्वायर ए सी के बराबर ना हो, और हमारा क्या आ रहा था, बी स्क्वायर ए सी के बराबर ना हो, और हमारा आ रहा है बी स्क्वायर लेस देन ए सी, तो ऑब्वियसली बात है बी स्क्वायर ए सी बराबर नहीं होगा, तो सी आंसर बी आएगा, ठीक है। डी ऑप्शन में जब आप जाओगे तो डी ऑप्शन में से बोला सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस हैज अ यूनिक सोल्यूशन, ये होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है यूनिक सोल्यूशन। तो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के दो सोल्यूशन आते हैं, तो इनफाइनाइट या तो नो सोल्यूशन, करेक्ट है। इनफाइनाइट सोल्यूशन इसका आएगा या फिर इसका नो सोल्यूशन आएगा ना, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए इसका यूनिक सोल्यूशन मतलब वही होगा, जो यूनिक होगा वही इनफाइनाइट होगा, डेल्टा जीरो होना चाहिए। तो डेल्टा जीरो की कंडीशन यहाँ पर लगाएंगे तो आ जाएगा ए प्लस वन बी बी और सी प्लस वन, करेक्ट है, दैट नॉट इक्वल्स टू जीरो, सॉरी दैट इक्वल्स टू जीरो, नॉट इक्वल्स टू, नहीं है दैट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ से मैनिपुलेट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी
प्लस ए, प्रोडक्ट करो मैं इन दोनों का, ठीक है, प्लस सी और प्लस वन। अब ये जो इक्वेशन है क्या ये ट्रू होगी? तो ए पॉजिटिव है और बी स्क्वायर लेस देन ए सी है, तो सी का पॉजिटिव होना मस्ट हो गया, और बी स्क्वायर ए सी के से छोटा था तो ये तो पक्का ट्रू हो गई होगा, बी स्क्वायर ए सी प्लस ए प्लस सी के वन के बराबर होगा, नहीं ये भी आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। तो अगेन ये किसका था क्वेश्चन, किसका था? तो बेसिकली कुछ नहीं है, क्वाड्रेटिक या आप सिस्टम ऑफ इक्वेशन डाल सकते हो या आप बेसिक डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। तो मैं सिस्टम डिटर्मिनेंट में सिस्टम ऑफ इक्वेशन डाल देता हूँ उसको, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अगेन जैसे मैंने आपसे बोला, कई बच्चों ने रिप्रेजेंटेशन की वजह से छोड़ते हैं, जो कि नहीं छोड़ना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन की वजह से सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ठीक है। और क्वेश्चन का लेबल क्या होगा? तो क्वेश्चन का लेबल इजी प्लस या मीडियम में काउंट होगा, बहुत टफ नहीं है किसी भी सूरत में। ऑप्शन चेक करने सीधे सीधे चेक होते जा रहे हैं, कोई बहुत रॉकेट साइंस कैलकुलेशन में भी टाइम नहीं लग रहा है। हाँ, किसी को अगर ये कंडीशंस नहीं याद है कि नॉन होमोजीनियस होमोजीनियस की क्या होती है, उनके लिए पेनफुल है, अदरवाइज ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम थी, तो इसलिए मैंने इसको ईजी प्लस या मीडियम लिखा है, ठीक है। तो कई बच्चों का सही हुआ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7। कोई मुझसे पूछेगा कि सर आपको पेपर में सबसे अच्छा क्वेश्चन कौन लगा, तो ये लगा है मुझे पर्सनली, ठीक है। थोड़ा सा देखने में भी फैंसी था, थोड़ा सा डिफरेंट वे में रिप्रेजेंटेशन किया गया है, ठीक है, बट सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन उनके लिए है जिन्होंने इसको जिसको फील कर लिया। कई बच्चों ने अगेन साइज की वजह से छोड़ दिया, जबकि छोड़ने वाला क्वेश्चन नहीं था ये, हो सकता है। बट हाँ, पेपर के लेबल की बात करूँगा तो पहली चीज तो ये 3D का क्वेश्चन है, ठीक है। और 3D का क्वेश्चन है, किस सब टॉपिक में मैं डालूंगा, तो मैं इसको 3D का है, डिस्टेंस फॉर्मूला में भी डाल सकता हूँ, मैं प्लेन में भी डाल सकता हूँ, डिस्टेंस फॉर्मूला इन प्लेन में डाल सकता हूँ इसको, ठीक है। और कैसा है, तो मेरे लिए तो ये टफ, इवन टफ प्लस भी अगर आप बोलना चाहोगे तो टफ प्लस भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो मैं आपको बताऊंगा, क्यों है ये टफ प्लस, क्या लॉजिक मैं यूज़ कर रहा हूँ इसके अंदर, वो लॉजिक भी आप समझिएगा, ठीक है। क्या है वो समझते पहले क्वेश्चन को। उसने बोला है कि इन 3D स्पेस पे दो पॉइंट है, पी और क्यू है, ठीक है, और दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस एक्स वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है। तो उसने बोला डिस्टेंस ऑफ एक्स पॉइंट का पी से और क्यू से 50 के बराबर है। तो मैंने पहले वाले केस के लिए, पहले वाले मतलब सेट एस के लिए, यानी एस क्या बनेगा वो, उसके लिए मैंने जो पॉइंट कैपिटल एक्स था उसको मैंने मान लिया अल्फा बीटा और अल्फा वन बीटा वन और गामा वन, ठीक है। तो उसने बोला डिस्टेंस ऑफ एक्स का पी से का स्क्वायर माइनस डिस्टेंस ऑफ एक्स का क्यू से का स्क्वायर, ये 50 के बराबर दिया है। अब आप इसको डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दी, चुपचाप कुछ नहीं करना है। अल्फा वन माइनस पी दे रखा उसने आपको, 1, 2, 3, 4, 7, तो 1 का होल स्क्वायर प्लस बीटा वन माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस गामा वन माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये पहला वाला पार्ट आ गया। इसमें से माइनस कर देंगे दूसरा वाला पार्ट, तो अल्फा वन माइनस क्योंकि कोऑर्डिनेट क्या थे, 4, 2, 7 शायद ना, 4, 2, 7 करेक्ट है, तो 4 का होल स्क्वायर प्लस बीटा वन 4, 2, 7 का होल स्क्वायर प्लस गामा वन 4, 2, 7 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 50 था ना पीछे 50, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा कि ये वाला टर्म तो इससे डायरेक्टली कट जाएगा, और आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे और अल्फा वन बीटा वन गामा वन को जनरलाइज करेंगे तो बनता है 6x प्लस का 8z इज इक्वल्स टू 105। सिंप्लीफाई करना है, कुछ और नहीं करना, और जनरलाइज कर देना। तो ये आपका सेट प्लेन आ गया जो कि सेट एस को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लेन, ठीक है। एस वन लिख देता हूँ इसको, या एस लिख दो, प्लेन वन जो सेट एस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। सिमिलरली थोड़ी सी कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो आप कर लेना, मैं क्योंकि कंसेप्ट पे बात करूँगा, ठीक है। ऐसे आप जब टी को कैलकुलेट करोगे, दूसरा वाला प्लेन टी, तो वाई का क्यू से डिस्टेंस और वाई का पी से डिस्टेंस, आपकी बार वाई को मान लो, तो मैंने मान लिया वाई का कोऑर्डिनेट है, लेट अस अज्यूम अल्फा टू बीटा टू गामा टू, ठीक है, और फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे डी ऑफ वाई क्यू का होल स्क्वायर माइनस डी ऑफ वाई पी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 50, ये भी दे रखा 50। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनली जैसे मैंने ये निकाला वैसे ये भी आ जाता है, वो आता है 6x प्लस 8y 8z इज इक्वल्स टू 5। तो बेसिकली क्या हुआ है वो समझते हैं, ठीक है। ये तो आ गई कैलकुलेशन, ये कर लेना, बहुत बड़े रॉकेट साइंस नहीं इसके अंदर, ठीक है। जैसे मैंने ऊपर वाला निकाला बिल्कुल सेम नीचे वाला निकल के आएगा। तो ये दो पैरेलल प्लेन आ चुके हैं, अब ध्यान से देखते हैं ना पीछे, ठीक है। तो दो पैरेलल प्लेन आ चुके हैं मेरे पास, एक एफ प्लेन आ चुका है और एक टी प्लेन आ चुका है, यहाँ तक तो आ चुका है, ठीक है। अब बातें करना शुरू करते हैं ऑप्शन से, आइए।
पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, देयर इज अ ट्राइंगल हुज एरिया इज वन एंड ऑल द ऑफ हुज वर्टिसेस आर फ्रॉम एस, यानी उसने बोला ए ऑप्शन में मैं कलर्स चेंज करता रहूँगा, बार बार फोटो नहीं बना रहा हूँ, ये तो ठीक है चलो फोटो भी देखते हो। तो जब मैं ए ऑप्शन की बात करूँगा तो दो प्लेन मेरे पास पैरेलल है, ठीक है, एक एस है एक टी है। अब उसने बोला है कि एक ऐसा पॉइंट निकालो, इस पर तीन पॉइंट ऐसे लो जिसका बनने वाला ट्राइंगल का एरिया वन हो जाए, तो बिल्कुल हो सकता है भाई तीन पॉइंट मैं इस प्लेन पे ले लूँ एक ऐसे जिससे बनने वाला ट्राइंगल का एरिया वन आ जाए, तो भाई एक प्लेन पे ऐसे खूब सारे पॉइंट आ जाएंगे जिनसे बनने वाला ट्राइंगल का एरिया, भाई प्लेन की बात कर रहा ना भाई, मैंने जैसे फ्लोर पे आप जिस फ्लोर पे बैठे हो इस सोल्यूशन को देख रहे हो जिस फ्लोर पे बैठे हो वहाँ पे तीन पॉइंट ऐसे रख दो जिससे बनने वाला ट्राइंगल का एरिया वन आ जाए। अरे तो ट्राइंगल का एरिया वन बनाने के लिए हम यहाँ पे बहुत सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं, बन सकता है कि नहीं, ये सोचो। हाँ भैया बेस ले लूँगा टू, हाइट ले लूँगा वन बाई फोर, तो हाफ बेस इंटू हाइट वन आ जाएगा, सही बोला ना मैंने, टू इंटू नहीं बेस ले लूँगा फोर, हाइट ले लूँगा हाफ और बाहर भी हाफ बैठेगा, तो हाफ इंटू फोर इंटू हाफ उससे मैच हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो ये आंसर आएगा, तो अपना ए आंसर आएगा। बी आंसर में कह रहा है देर आर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स एल एन एम इन टी एंड सच दैट ईच पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट एल एम इज ऑल्सो इन टी, देर आर टू पॉइंट्स एल एंड एम इन टी प्लेन टी में, तो बी ऑप्शन के लिए मैं यहाँ पर चला गया, इसमें दो पॉइंट दे रखे हैं एल और एम, ठीक है, इस तरीके से लेने हैं, क्या लेना है फिर से पढ़ता हूँ मैं, देर आर टू पॉइंट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स एल एन एम इन टी सच दैट ईच पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट एल एम इज ऑल्सो इन टी। अब अगर आप प्लेन में दो पॉइंट लोगे उसको ज्वाइन करने की लाइन बनाओगे तो बहुत ही कॉमन सेंस है, आप इस फ्लोर पर एक लाइन खींच दो ऐसे, तो आप बैठे हो ना जहाँ पे वहाँ पे, या पे दीवार पे देखो, अब इस पर मैं ऐसे दो लाइन खींच दूँ तो ये दो पॉइंट जो भी होंगे हमारा एल और एम दोनों बोर्ड पर लाई कर रहे हैं, बोर्ड के प्लेन पर, और इसको सेटिस्फाई करने सारे पॉइंट बोर्ड पर बैठे होंगे, ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारा बी आंसर भी सही आएगा, ठीक है, तो बी आंसर भी करेक्ट हो गया, बी आंसर भी हमारा करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रेक्टेंगल्स ऑफ द पैरामीटर 48, टू ऑफ दोज हुज वर्टिसेस आर फ्रॉम एस एंड द अदर टू वर्टिसेस आर फ्रॉम टी, रेक्टेंगल की बात कर रहा है वो, ठीक है। अब रेक्टेंगल देखो, अगर मैं रेक्टेंगल की बात कर रहा हूँ तो रेक्टेंगल ऐसे बनेगा, उसने बोला ऐसे इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स होंगे, बिल्कुल हो सकते हैं, क्या लेंथ दी उसने 48 पैरामीटर दे रखा है। अब देखो इन दोनों प्लेन के बीच की अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ, इन दोनों प्लेन के बीच की अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे तो आ जाएगा 105 माइनस 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ 36 प्लस का 64, करेक्ट है, तो डिस्टेंस आ जाएगा दोनों के बीच, मॉड ले लेता हूँ तो 100/10 आ जाएगा ये, तो ये डिस्टेंस 10 के बराबर है, यानी दोनों पैरेलल प्लेन जो 10 हैं, ठीक है। अब सुनना मैं जो बोलने जा रहा हूँ, ठीक है, जब मैं सी ऑप्शन को चेक कर रहा हूँ तो उसने बोला एक रेक्टेंगल ऐसा चाहिए जिसका पैरामीटर क्या हो 48 हो, पैरामीटर क्या हो 48 हो ना, पैरामीटर 48 है, ऐसे कितने इनफाइनाइटली मैनी रेक्टेंगल्स पॉसिबल है ये बोला उसने। अब किसी रेक्टेंगल का पैरामीटर अगर हम 48 ले रहे हैं, किसी रेक्टेंगल का पैरामीटर अगर हम 48 ले रहे हैं, ठीक है, तो मान लो मैंने रेक्टेंगल को बिल्कुल ऐसे रख दिया, ये दो प्लेन है, पहला प्लेन है, इनके बीच में लाके ऐसे रेक्टेंगल रख दिया, मैंने एक रेक्टेंगल लिया और ऐसे रख दिया, ठीक है, तो रेक्टेंगल को जब मैं ऐसे रखूंगा तो पैरामीटर अगर 48 है तो करस्पॉन्डिंगली अगर बात करोगे तो ये 10 हो गया, ठीक है, 10 10 20 बच्चा कितना 18 20 28 14, तो यानी कि हमने इसकी जो हाइट होगी रेक्टेंगल की वो 10 ले ली और जो ब्रिथ थी वो अपन ने 14 ले ली, ऐसे कितने रेक्टेंगल्स होंगे, तो ऐसे मैंने रेक्टेंगल एक पकड़ा और लेकर के दौड़ता चला गया पूरे प्लेन पे, दोनों प्लेन के बीच में दौड़ रहा हूँ ऐसे पकड़ के रेक्टेंगल को, तो जब रेक्टेंगल को दौड़ रहा हूँ तो ऐसे कितने रेक्टेंगल है इनफाइनाइट रेक्टेंगल पास में। अच्छा कहानी की खूबसूरती देखो, अरे भाई रेक्टेंगल खाली इसी से थोड़ी बनेगा पैरामीटर 48 का। अब मान लो कोई कहे कि सर मैंने हाइट ले ली है 12, सुनते हैं ना, तो 24 और 48, या हाइट को 14 ले लो और ब्रिथ को 10 कर लो, कुछ और ले लो, ठीक है, इस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं अपन, तो कितने रेक्टेंगल आ जाएंगे इनफाइनाइट, मतलब सी आंसर भी आ रहा है, ये चीज़ मैं आपको डीओ में बताना चाहता हूँ, ठीक है, तो सी आंसर भी हमारा आ रहा है, कहाँ चला गया सी। अब कहानी में डी है, कई मैंने भी सोल्यूशन बनाने से पहले देखा था तो कई लोगों से मेरा डिस्कशन चल रहा था, बहुत लोग इसके फेवर में नहीं थे डी के लिए, अब मैं आपको डी में बात कर रहा हूँ। उसने बोला सर 48 का स्क्वायर कभी नहीं बनेगा, ठीक है, ठीक है, तो इसी चीज़ को यहाँ समझना या इस पेज पे समझाता हूँ, इसी पेज पे समझाता हूँ, ठीक है। अब देखना दूसरा केस, अब हमने अगर एक स्क्वायर चाहिए वो स्क्वायर जिसका पैरीमीटर क्या हो 48, अब अगर स्क्वायर का पैरीमीटर 48 है तो 24 12 12 साइड होगी इसकी, तो सोचो ये दो प्लेन थे, इसके बीच में मैंने एक ऐसा स्क्वायर रख दिया, कि मेरी बातों को समझना, ठीक है बच्चों, कि दो प्लेन थे इसके बीच में मैं एक स्क्वायर को ऐसे रख दूँ, स्क्वायर रख रहा हूँ, साइड लेंथ कितनी है 12 12 24 36 48 12 साइड लेंथ का, ठीक है, तो जो मैंने स्क्वायर रखा है
12 साइड लेंथ का, ठीक है। अगर मैं उसको ऐसे रख रहा हूँ यूँ, ये स्क्वायर है 12 और 12 लग नहीं रहा, मान लेना, ठीक है। तो ये तीनों प्लेन पैरेलल हो गए, स्क्वायर एक प्लेन की तरह काम कर रहा है। अब उस स्क्वायर को पकड़ा मैंने और थोड़ा घुमाया, टिल्ट किया, तो अभी भी वो प्लेन के बीच में बैठेगा, और फिर मैं टिल्ट करता चला गया। एक स्टेज ऐसी आएगी जिस समय, एक स्टेज ऐसी आएगी बच्चों जिस समय वो स्क्वायर कुछ इस टाइप का हो जाएगा। तो दो पॉइंट हमारे प्लेन एस पे आ गए और दो पॉइंट हमारे प्लेन टी पे आ गए। इसको फील करना, ये दो प्लेन ऐसे पैरेलल थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैंने ये मोबाइल से आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मेरा एक हाथ है, ये मेरा एक हाथ है, ये मोबाइल है। अभी ये इसके पैरेलल चल रहा है, ठीक है। ये स्क्वायर है, मान लेना, लग नहीं रहा, मान ले स्क्वायर है। अब अगर ये स्क्वायर है, ठीक है, और मैंने इसको ऐसे पकड़ा दिया, ठीक है, ध्यान समझना, यूँ। अब बताओ क्या ये स्क्वायर से बदल गया? नहीं बदला। इस स्क्वायर के ऊपर के दो पॉइंट इस वाले प्लेन पे, जो मेरा हाथ ऊपर वाला है, और दो नीचे वाले प्लेन पे, जो मेरा हाथ नीचे वाला है। तो दो पॉइंट इस प्लेन पे बैठे हैं, दो पॉइंट इस प्लेन पे बैठे हैं, इससे बनने वाला स्क्वायर जो होगा वो इसके बीच में डेफिनेटली लाई करेगा। इसलिए ऐसे भी कितने स्क्वायर होंगे, तो इनफाइनाइट स्क्वायर होंगे। उसने क्या मांगा है हमसे? उसने हमसे मांगा है देयर इज अ स्क्वायर बोल रहा है जिसका पैरामीटर 48 हो, टू ऑफ वर्टिसेस फ्रॉम एस एंड अदर टू वर्टिसेस आर फ्रॉम टी। तो कैसे पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे कितने आएंगे? ऐसे भी कितने आएंगे? तो ऐसे भी हमारे पास होंगे तो इनफाइनाइट, पर ठीक है, उसने एक बोला एक तो होगा, बिल्कुल होगा। यानी आंसर क्या आएगा? ए बी सी डी। तो भाई साहब ये मुझे बहुत ही शानदार क्वेश्चन लगा, इसका डी ऑप्शन में कई जगह पे कंट्राडिक्शन भी आ रहा है, ध्यान रखिएगा इसका डी आंसर आएगा। अगर आईटी नहीं देता है तो वो किस चीज़ से ऑब्जर्व कर रहा है मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर को पकड़ के मैं कैसे भी घुमा दूँ वो स्क्वायर ही रहेगा, वो पैरेलोग्राम में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, ठीक है। कई लोगों को लगता है कि सर आप ये जो फोटो बना रहे हो, ये फोटो पैरेलोग्राम की फोटो बन रही है, दिस ग्रीन वन। सर आप जो ये पहले फोटो बना रहे हो, देखो ब्लू को पकड़ के मैं घुमाऊंगा, और ब्लू को पकड़ के अगर मैं घुमा रहा हूँ तो ब्लू को पकड़ के घुमाने पे स्क्वायर ही रहेगा, वो ब्लू ऐसा नहीं है कि पैरेलोग्राम में बदल गया, इसलिए आंसर डी जरूर आएगा, ठीक है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बेहतरीन, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, और कई बच्चों ने इसके लिए मुझसे बहुत सारा डिस्कशन भी किया, बहस भी करी कि सर ऐसा कैसे हो रहा है। तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उस चीज़ की आपको फील करना पड़ेगा, ये 3D है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंटीजर टाइप सेक्शन शुरू हो गया हमारा, ठीक है। इंटीजर टाइप सेक्शन शुरू हो गया, मैक्सिमम मार्क्स 3 है, मैक्सिमम मार्क्स 24 है, 3 नंबर शायद प्लस 4 मिलेंगे, 0 नहीं था, सारे बच्चों को अटेंड करना चाहिए था। कई बच्चों से मेरी बात हुई तो इसमें इंटीजर टाइप में निगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो सब में दो दो भर के चले आए, बट किस्मत ठीक है, किसी का भी आंसर 2 नहीं आया, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है इसमें, दो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, लॉग का एक चैप्टर है, लॉग में इसको हम सॉल्व करेंगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन की तरह हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन की तरह। लेबल कोई बोलेगा तो इजी या इजी प्लस दे सकता हूं मैं, बस इससे ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा इसको मैं। कोई बोलेगा सर मीडियम था, मीडियम बिल्कुल नहीं था। क्या है आइए देखते हैं। तो दो इक्वेशन बनेगी, पहली इक्वेशन बनेगी 3x plus 2y is equals to लॉग बेस ए। तो लॉग बेस ए, ए का मतलब हो गया लॉग बेस ए, मतलब हो गया 3 root 2, ठीक है। तो लॉग बेस ए 18 की पावर 5/4, तो ये जो लिखा हुआ है इसको अगर आपको थोड़ा सा पता होगा तो ये बेसिकली 18 का स्क्वायर रूट लिखा हुआ है। तो 18 की पावर 5/4, और ये लिखा हुआ है 18 की पावर 1/2। तो जब आप इसको सिम्प्लीफाई करेंगे तो बन जाएगा 5/2, 4 1/2, ठीक है। यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी 3x plus 6x plus 4y is equals to 5, इक्वेशन नंबर 1 डाल के हम छोड़ देते हैं, ठीक है। सिमिलरली हम दूसरी इक्वेशन उठाएंगे, दूसरी इक्वेशन हमारे पास है 2x minus y, तो 2x minus y is equals to log base b, b कितना हमारा 1/5 की पावर 1/6, 1/5 की पावर 1/6 इंटू रूट 6, और अंदर है 10 0 80 की पावर 1/2, ठीक है। अब 1080 को अगर थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप, तो 1080 बेसिकली कुछ नहीं है, 216 × 5 लिखा हुआ है, और इसकी पावर 1/2 है। तो मैं भी इसको 216 × 5 बना देता हूँ, 216 × 5 की पावर -1/6, तो अल्टीमेटली सॉल्व करके -3 आ जाएगा। तो यहाँ से सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी 2x minus y equals to -3, इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो 1 में ऐड करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करके 2 को, ठीक है। तो y कट जाएगा अपना, तो 6 आ जाएगा, और 4 से 6 4 2 8, 8 6 14 x आ जाएगा लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे आ जाएगा 5, 4 3
चार से मल्टीप्लाई करो तो तीन चौको बारह, बारह में से पाँच जाएंगे तो माइनस का सात, यानी एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस का वन बाई टू। इस वैल्यू को पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, वहाँ से वाई निकाल दो, पहले वाले में सेकेंड वाले में पुट कर दे रहा हूँ मैं, तो माइनस वन तो वाई आ जाएगा टू, ठीक है वाई आ जाएगा टू के बराबर। अब हमको जो निकालना उस पर आ जाते हैं, तो हमको निकालना था बच्चा फोर एस प्लस फाइव वाई, मैं फिर से चेक कर लूँ, टू ही आएगा ना, फोर एस प्लस फाइव वाई, ठीक है तो हमने को निकालना है फोर एस प्लस फाइव वाई, तो फोर एस प्लस फाइव वाई का मतलब हो गया फोर इंटू एक्स, एक्स मतलब हमारा माइनस वन बाई टू है, प्लस का फाइव इंटू टू, तो ये आ गया माइनस टू, प्लस का टेन, अल्टीमेटली आंसर आठ आ गया, ठीक है। तो इसका इंटीजर का आंसर क्या है, आठ है। तो अगेन दिस क्वेश्चन इज सिंपल क्वेश्चन, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था, आठ आंसर आ गया इसका, ठीक है, आसान था, होना चाहिए था, अप्रोचेबल है, तो इस तरीके से इंटीजर टाइप का ही क्वेश्चन था। होपफुली ये सबका सही हुआ होगा, कुछ भी नहीं था, मैनिपुलेशन था, बस दस अस्सी का 216 इंटू पाँच होता है ये पता होना चाहिए, 18 थ्री रूट टू का स्क्वायर होता है पता होना चाहिए, जो कि हम लोग बेसिक मैथ से पहली क्लास पे करवाते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक fx इक्वल टू ये पॉलिनोमियल गिवन है विद रियल कोफिशियंट सच दैट एफ ओ वन का वैल्यू दे रखा है आपको माइनस ऑफ नाइन, फर्दर आपसे बोला है कि आयोटा रूट थ्री जो है वो इस इक्वेशन का जो है एक रूट है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या हमारे पास रिलेशन आ रहा है, तो एफ ऑफ माइनस वन हमारे पास जो दे रखा है दैट इज माइनस नाइन, तो यहाँ पे मैं सॉरी एफ ऑफ वन इक्वल टू माइनस नाइन, तो यहाँ पे वन पुट करेंगे देखिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास वन प्लस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ नाइन, तो यहाँ से इसको मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट करता हूँ, तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू मेरे पास आ जाता है माइनस ऑफ टेन, ठीक है, लेट दिस बी इक्वेशन वन। नेक्स्ट देखें, अगर इस इक्वेशन को हम देखते हैं यहाँ से, देखिए मैं अगर मैं x कॉमन निकालता हूँ तो क्या बनेगा मेरे पास, इफ़ आई टेक x कॉमन आई विल गेट 4x स्क्वायर दिस इज प्लस 3ax एंड प्लस 2b इज इक्वल टू जीरो, तो एक तो x का वैल्यू मेरे पास जीरो आ रहा है, और अगर इस क्वाड्रेटिक की बात करें तो मुझे बोला है इसके रूट्स क्या है मेरे पास आयोटा रूट थ्री, तो मतलब एक रूट आपके पास हो जाएगा आयोटा रूट थ्री एंड अदर रूट विल बी माइनस आयोटा रूट थ्री, बिकॉज ये कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, कोफिशियंट हमारे पास रियल है, तो यहाँ से मेरे पास सम ऑफ रूट की अगर मैं बात करता हूँ तो सम ऑफ रूट में देखिए क्या बन जाएगा मेरे पास, सम ऑफ रूट मेरे पास बन रहा है जीरो, और जो है मेरे पास क्या अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन दिस इज माइनस थ्री ए बाय फोर एंड दिस कम्स आउट टू बी जीरो, दैट मीन्स ए का वैल्यू क्या आ गया यहाँ से, ए का वैल्यू मेरे पास निकल के आता है जीरो, ठीक है, तो ए का वैल्यू हमारे पास जीरो आ गया। फर्दर प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर हम देखते हैं यहाँ से, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट आ रहा है आपके पास टू बी बाय फोर दैट इज बी बाय टू, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर हम देखें तो प्रोडक्ट ऑफ रूट इज बी बाय टू, ठीक है, और यहाँ से प्रोडक्ट करते हैं तो इसका वैल्यू आता है मेरे पास थ्री, दैट मीन्स बी का वैल्यू क्या निकल के आ गया बेटा, बी का वैल्यू सिक्स आ गया हमारे पास, बी का वैल्यू आ गया सिक्स, ठीक है, तो ए और बी का वैल्यू हम अगर इक्वेशन वन में पुट करते हैं तो देखो यहाँ से मेरे पास सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए इज जीरो बी इज सिक्स राइट हैंड साइड में जाएगा, दैट मीन्स सी विल बी इक्वल टू हाउ मच माइनस ऑफ 16, तो सी का वैल्यू आ गया माइनस ऑफ 16, तो देखो यहाँ से पुट कर देते हैं एफ एक्स के अंदर, तो हमारे पास एफ एक्स निकल के आ जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा देखिए, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा मेरे पास एक्स की पावर 4, अच्छा ए का वैल्यू जीरो है तो ये तो टर्म गायब हो गया, बी का वैल्यू मेरे पास सिक्स है तो दिस इज सिक्स एक्स स्क्वायर एंड फाइनली दिस इज माइनस 16 इज इक्वल टू जीरो, तो ये देखिए एक्स स्क्वायर को अगर मैं टी एज्यूम करता हूँ तो ये क्वाड्रेटिक बन रहा है हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ से इसके फैक्टर कर सकते हैं हम, तो देखिए x की पावर 4 एंड दिस इज हाउ मच, दिस इज प्लस 8x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से मेरे पास फैक्टर आ जाएंगे, एक आ जाएगा मेरे पास x स्क्वायर प्लस 8, वन ऑफ द फैक्टर इज x स्क्वायर प्लस 8 एंड अदर फैक्टर इज x स्क्वायर माइनस 2 राइट इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से मेरे पास चार रूट आ रहे हैं जो कि मेरे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 एंड अल्फा 4 का वैल्यू है, तो देखिए यहाँ से क्या क्या वैल्यूज आ रही है मेरे पास, ये आ जाएगा मेरे पास माइनस एट का रूट ओवर लेंगे तो ये हो जाएगा आयोटा टू रूट टू, आयोटा टू रूट टू, देन अदर इज माइनस आयोटा टू रूट टू, ठीक है, देन मेरे पास दो वैल्यू यहाँ से आएगा दैट इज प्लस रूट टू एंड माइनस ऑफ रूट टू, तो ये चार मेरे पास रूट्स आ रहे हैं, और अगर मैं इनका स्क्वायर का सम करूँगा तो यहाँ से देखिए क्या बन जाएगा, ये 8 प्लस 8 16 प्लस 4 20,
तो यहाँ से फाइनल आंसर जो मेरे पास आ जाएगा, इनका स्क्वायर का सम करेंगे हम, तो ये आ जाएगा मेरे पास 20। सो द करेक्ट आंसर इज 20। यहाँ पर हम एक मैट्रिक्स गिवन है, एक सेट गिवन है, जहाँ पर हमसे बोला गया एक मैट्रिक्स है जिसका कि कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट दे रखा है, वेयर ए बी सी डी ई विल बिलोंग फ्रॉम 0 to 1 एंड डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए शुड बिलोंग टू -1 and 1, वेयर डिटरमिनेंट ए डिनोट्स द डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। तो हमें बताना है यहाँ पर एस में कितने एलिमेंट्स पॉसिबल हैं। तो बेसिकली ये पी एन सी और मैट्रिक्स का जो है कंबाइंड करके क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले डिटरमिनेंट वैल्यू की बात की गई है, तो मैं इसका डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो देखिए इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे पास, तो डिटरमिनेंट वैल्यू इसका निकालते हैं हम, तो ये तो बेटा जीरो की वजह से गया पूरा, देन -1 times दिस इज ई माइनस डी, तो ये बेसिकली माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा डी माइनस ई, राइट। देन सी टाइम्स ये हो जाएगा मेरे पास बी माइनस ए, तो प्लस सी टाइम्स ये हो गया मेरे पास बी माइनस ए। तो बेसिकली मैं क्या चाहता हूँ कि इस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू आया वो आइदर -1 आया या फिर 1 आ जाए। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी देखनी है बेसिकली। तो देखिए यहाँ से मैं बिकॉज ये सी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं सी पे ही केस बना रहा हूँ। तो पहला केस अगर हम लेते हैं, इफ़ आई टेक सी इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, अगर सी को मैंने ज़ीरो ले लिया बिकॉज 0 और 1 में से मेरे पास ऑप्शन है, तो इफ़ आई टेक सी ज़ीरो देन ये वाला टर्म तो देखिए ज़ीरो हो गया, तो यहाँ पर बी और ए के जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो सारे मैं ले सकता हूँ, और यहाँ से मुझे 1 या -1 क्रिएट करना है। तो देखिए बी और ए के ऑप्शन अगर अपन लेते हैं, तो बी और ए के लिए मेरे पास क्या क्या ऑप्शन हो जाएंगे, बी के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है सेलेक्ट करने के लिए, आई शुड टेक 1 और 0, ठीक है, और इधर से मेरे पास इसके लिए भी 0 1 या 1 0, तो मेरे पास कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे 1 1 0 0 0 1 and 1 0, 2 into 2, दैट मीन्स 4 मेरे पास इसकी पॉसिबिलिटी बनती है कि बी और ए का मैं क्या वैल्यू ले सकता हूँ, ठीक है। फर्दर डी माइनस ई की बात करें, तो बिकॉज यहाँ से मुझे आइदर 1 क्रिएट करना है या -1 क्रिएट करना है, तो अगर मैं डी को 1 लेता हूँ इसको 0 लेता हूँ मेरे पास 1 क्रिएट हो जाएगा, एंड इफ़ आई टेक डी 0 and E 1 देन आई विल गेट -1। तो बेसिकली देखो इसके लिए मेरे पास कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं, 2 ऑप्शन, तो 2 ऑप्शन इसके लिए मेरे पास क्या क्या टू ऑप्शन है मेरे पास, या तो मैं 1 0 ले लूँ या फिर 0 1 ले लूँ, ठीक है, और इसके लिए क्या क्या ऑप्शन है मेरे पास 1 1, ठीक है, 1 1 ले सकता हूँ मैं, या फिर जो है 0 0 देन आई कैन टेक 1 0 और आई कैन टेक 0 1, बिकॉज क्या है यहाँ पर सी की वजह से ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो गया, तो बी और ए को आप सारे पॉसिबल केसेस ले सकते हैं। तो 4 into 2, तो टोटल मेरे पास कितना आएगा यहाँ पर 4 into 2, दैट इज 8 ways टू क्रिएट ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा क्रिएट करें कि इसका डिटरमिनेंट वैल्यू आइदर 1 और -1 हो। देन सेकंड केस कंसीडर करते हैं, यहाँ पर सेकंड केस देखिए, इफ आई टेक सी इक्वल टू 1, तो देखो अगर मैं सी को 1 लेता हूँ तो यहाँ पर अब इनका भी रोल आ जाएगा, तो मेरे पास 2 चीज़ें अवेलेबल है, आइदर मैं इसको 0 बनाऊँ और यहाँ से 1 क्रिएट करूँ, या इसको 0 बनाऊँ यहाँ से 1 या -1 क्रिएट करूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ से फिर से जो है, तो अगर मैं सी को 1 लेता हूँ तो यहाँ से लेकर क्या क्या पॉसिबल केस बन जाएंगे, डी और ई के लिए अगर मैं यहाँ से 1 क्रिएट करना चाहता हूँ तो देखिए क्या बन जाएगा, डी और ई को फिर से मैं 1 0 ले सकता हूँ या फिर 0 1 ले सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ से 1 या -1 क्रिएट किया है, तो मुझे वहाँ क्या करना पड़ेगा 0, बिकॉज सी तो 1 है, तो बी और ए का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा सेम, दैट मीन्स आइदर आई शुड टेक 0 0 और 1 1, ठीक है। तो यहाँ पर एक के लिए मेरे पास 2 केसेज आ रहे हैं, इस एक के लिए भी मेरे पास 2 अवेलेबल केसेज है, ठीक है। तो ये टोटल मेरे पास कितने हो गए 4 वेज हो गए, ठीक है। अच्छा सिमिलरली अब मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ से मैं 0 क्रिएट कर लूँ और उधर से मैं 1 या -1 क्रिएट करूँ, तो अगर मुझे यहाँ 0 क्रिएट करना है तो आई शुड टेक डी और ई क्या लूँ मैं, या तो मैं 1 1 ले लेता हूँ या फिर 0 0 लेता हूँ, तो इस केस में यहाँ पर मुझे 0 बनेगा, यहाँ से मुझे 1 बनाना है, तो बी और ए के लिए मेरे पास क्या ऑप्शन है 1 0 या फिर 0 1, 1 0 लेंगे तो 1 बनेगा डिटरमिनेंट का वैल्यू और 0 1 लेंगे तो -1 बनेगा, तो 4 यहाँ से हैं, ठीक है। तो या तो मैं ये करूँ या फिर ये करूँ, दैट मीन्स और की बात की जा रही है, तो 4 और 4 टोटल मेरे पास कितने केस हो जाएंगे इसके 8 केसेस, तो 8 वेज से ये वाला काम हो गया मेरा। तो अगर आप देखें 8 वेज यहाँ पर 8 वेज यहाँ पे, तो टोटल मेरे पास कितने हो जाएंगे 16, टोटल मैट्रिक्स जो पॉसिबल है दैट विल बी 16, तो 16 वेज से ये काम मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो फाइनल आंसर इज 16, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही एक ग्रुपिंग के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, पीएनसी का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोल रहा है बेटा, अ ग्रुप ऑफ 9 स्टूडेंट्स S1 to S9
इज टू बी डिवाइडेड टू फॉर्म थ्री टीम्स एक्स वाई एंड जेड ऑफ साइजेस 2, 3 एंड 4. ठीक है, तो सभी टीम की साइजेस हमको दे रखी है. नाउ सपोज दैट एस वन कैन नॉट बी सेलेक्टेड फॉर द टीम एक्स, तो मतलब एस वन जो है एक्स टीम में नहीं आएगा और एस टू जो है कैन नॉट बी सेलेक्टेड इन द टीम वाई. देन नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म सच टीम्स, तो कितने तरीके से हम ये टीम्स बना सकते हैं. ठीक है, तो देखिए इसको मैं क्या करने वाला हूँ, पहले हम टोटल जो है ग्रुपिंग कर लेते हैं जहाँ पर कोई भी कंडीशन नहीं है, देन हम जो है ये वाले केसेस जो है वो हम उसमें से सब्ट्रैक्ट करके जो है टोटल माइनस जो है ये वाले केसेस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वील गेट दी आंसर. तो टोटल मेरे पास जो है टीम्स जो बनेंगी, तो टोटल मेरे पास क्या बनेगा, देखिए टोटल हमारे पास जो है 9 है, तो 9 फैक्टोरियल यहाँ पे ग्रुपिंग कर रहा हूँ मैं. ठीक है, दिस इज 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल जेड टीम के लिए, तो ये टोटल मेरे पास सारे केसेस बन गए. नाउ यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए एस वन कैन नॉट बी सेलेक्टेड फॉर टीम एक्स, तो एस वन को एक्स टीम में नहीं लेना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ एक्स वन को जो है एक्स टीम के अंदर एस वन को मैं पहले से ले लेता हूँ. ठीक है, तो अगर क्या होगा देखिए, तो वेन एस वन इज सेलेक्टेड इन टीम एक्स, तो एक्स टीम के अंदर अगर मैंने एस वन को ले लिया है, तो देखिए एस वन का तो काम हो चुका है, एस वन को मैं ले चुका हूँ, तो यहाँ से मुझे एक और लेना है मुझे यहाँ पर. ठीक है, तो अब मेरी जो ग्रुपिंग बनेगी वो कितनी बन जाएगी बेटा, देखो यहाँ से ग्रुपिंग क्या बनेगा हमारा, ये बन जाएगा मेरे पास. अच्छा, 8 फैक्टोरियल में से करना है अब हमको सिलेक्शन, बिकॉज एक तो हम ले ही चुके हैं ऑलरेडी. ठीक है, तो 8 फैक्टोरियल बाय कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम एक ले चुके हैं एक्स के अंदर, दैट मीन्स यहाँ बनेगा 1 फैक्टोरियल. ठीक है, यहाँ पर हमें अभी भी 3 लेने हैं और यहाँ पर 4 फैक्टोरियल हो जाएंगे, 4 लेने हैं. तो ये मेरा केस हो गया व्हेन एस वन इज सेलेक्टेड इन टीम एक्स. नेक्स्ट हम ले लेते हैं इसके अंदर व्हेन एस टू जो है वो आपके बाद वाई टीम में सेलेक्ट हो गया ना, इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ कि एस टू जो है वाई टीम में चला गया है. ठीक है, जबकि हमको नहीं लेना था. तो इफ़ आई टेक एस टू इन वाई टीम, तो अभी मेरे पास वाई टीम के अंदर मुझे टोटल 3 सिलेक्शन चाहिए, तो अब मुझे 2 ही लेना है. तो यहाँ पे देखिए नंबर वेज क्या बन जाएंगे, फिर से ये बन जाएगा मेरे पास 8 फैक्टोरियल अपॉन, देखिए यहाँ तो मुझे 2 ही लेने हैं अभी, और यहाँ पर मेरे पास कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल थे ऑलरेडी मेरे पास, 3 में से मैं एक ले चुका हूँ, है ना, तो यहाँ पर 2 फैक्टोरियल ही आएगा आपके पास, तो ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, और ये कितना हो गया मेरे पास 4 फैक्टोरियल. अब ध्यान देने वाली बात है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये अपने पास इसकी वजह से क्या आता है 1/2 फैक्टोरियल आएगा डिवाइड में, 1/2 फैक्टोरियल बिल्कुल डिवाइड कर दिया मैंने. अब एक बात सुनो यहाँ पर, जैसे फर्स्ट केस की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर पहले से फिक्स है कि किस टीम में कितने कितने लोग आने हैं, तो यहाँ पर इनका अरेंजमेंट का कोई मतलब नहीं है. बट इन दिस केस यहाँ पर देखिए दोनों के जो है साइजेस क्या है, 2-2 है, तो यहाँ पर क्या ये इंटरचेंज हो सकते हैं 2 फैक्टोरियल वेज से, तो इसलिए यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा 2 फैक्टोरियल. ठीक है, तो ये मेरा केस हो गया इसका. ठीक है, ये मेरा केस हो गया जब मैंने एस वन को इंक्लूड किया एक्स में. अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जब मैं ये दोनों काम कर रहा हूँ, तो इसमें कुछ केसेस ऐसे आएंगे जिसके अंदर एस वन इसमें आ रहा है और एस टू भी आ जाएगा, तो कॉमन वाला पार्ट मुझे सब्ट्रैक करना है. तो जब दोनों एक साथ आ जाएंगे तो वो वाला केस मुझे सब्ट्रैक करना है. तो व्हेन एस वन तो आपका किस में आ जाए, एक्स में, और एस टू आपका किस में आ जाए, वाई के अंदर. तो अभी मेरे पास टोटल वेज जो बनेंगे वो क्या बनेंगे, देखिए अब मेरे पास 7 फैक्टोरियल में से मुझे सिलेक्शन करना है, बिकॉज 2 मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ. तो यहाँ पर देखिए कितना बना, 1 और यहाँ 2, तो ये बन जाएगा 1 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा मेरे पास 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर अभी भी क्या है 4 फैक्टोरियल. ठीक है, तो अब मैं जो है इसको सॉल्व कर सकता हूँ. तो यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम, तो ये कितना बनता है, ये मेरे पास सॉल्व करके आई थिंक 1260 आता है शायद. ठीक है, तो इसका वैल्यू 1260 आता है. ठीक है, और इसको सॉल्व करें हम यहाँ से, तो देखिए क्या बन रहा है मेरे पास, ये बन रहा है 8, 7, 6, 5 एंड दिस इज 6. ये आ रहा है 280. ठीक है, अच्छा ये आपका आता है आई थिंक, ये वाला सॉल्व करने पे आता है 420. ठीक है, और ये वैल्यू आई थिंक आ रहा है 105. ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, तो टोटल मेरे पास जो वेज आ जाएंगे दैट विल बी 1260 माइनस का मेरे पास हो जाएगा 280, देन माइनस का 420 एंड प्लस हम कर देंगे इसके अंदर इनका कॉमन वाला पार्ट. ठीक है, तो इसको सॉल्व करके देखें कितना बनता है, ये कितना हो गया बेटा आपका 4 into 6 और ये 700 हो गया, 700 माइनस 105, तो ये मेरे पास आ रहा है 1260 माइनस में आई थिंक 595 हो जाएगा ये. ठीक है, तो देखो कितना बन रहा है, ये 10 में से 5 गया 5. ठीक है, और ये आपके पास बन गया यहाँ से 15 माइनस 9 इज 6 और ये बन गया 11 माइनस 5 6, तो ये कितना आ गया बेटा मेरे पास
665, ठीक है। तो देखिए आपका आंसर है 665। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगेन बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अपने को एक ओपी वेक्टर गिवन है इस तरीके से कुछ, एंड ओ क्यू वैक्टर दे रखा है एंड ओ आर वैक्टर दे रखा है। बी थ्री वैक्टर्स वेयर अल्फा बीटा बिलोंग टू आर ऑल रियल एक्सेप्ट जीरो एंड ओ डिनोट्स द ओरिजिन। देन इफ ओ पी क्रॉस ओ क्यू का डॉट ओ आर से हम कर रहे हैं दैट इज इक्वल टू जीरो गिवन एंड द पॉइंट अल्फा बीटा टू लाइज ऑन दिस प्लेन राइट, देन वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एल। तो ये एल का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले अब यहाँ से एस टी पी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम लगा सकते हैं। तो बॉक्स ऑफ दिस इज इक्वल टू जीरो, तो देखो यहाँ से मेरे पास क्या बन जाएगा, ये इसका डिटरमिनेंट वैल्यू लेना है बेसिकली हमको, ये नहीं है कुछ भी। देन अल्फा माइनस वन बाय अल्फा, अल्फा माइनस वन बाय अल्फा, देन वी हैव वन एंड वन। सेकेंड वैक्टर मेरे पास क्या दे रखा है, वन, दिस इज बीटा माइनस वन बाय बीटा, और ये दे रखा है मुझे अगेन वन, एंड दिस इज़ वन वन एंड वन बाई टू, वन वन एंड वन बाय टू। तो ये डिटरमिनेंट दे रखा है मुझे, ठीक है। और इसका वैल्यू क्या दे रखा है बेटा अपने को, इसका वैल्यू हमें जीरो दे रखा है, राइट। तो यहाँ से देखिए हम थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं, या इधर आप डायरेक्टली भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ मैं कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूँ। तो व्हाट आई एम डूइंग, सी वन गोज़ टू सी वन माइनस सी थ्री एंड सी टू गोज़ टू सी टू माइनस सी थ्री, ठीक है। और देखो यार क्या बन जाएगा, ये यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा मैं, तो ये देखो अल्फा माइनस वन और माइनस अल्फा बाय अल्फा, तो माइनस का वन अपॉन अल्फा बन रहा है ये, ठीक है। देन ये हो गया मेरे पास ज़ीरो, और ये क्या बन जाएगा, वन माइनस हाफ इज अगेन प्लस हाफ। देन सी टू माइनस सी थ्री, फर्स्ट एलिमेंट इज ज़ीरो, देन अगेन ये सेम आपका जो है माइनस का वन बाय बीटा बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो बीटा उठ जाएगा, माइनस वन बाय बीटा आ रहा है। देन वन माइनस हाफ इज अगेन हाफ, और ये मेरा एज इट इज़ वन वन एंड हाफ, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो गिवन। तो यहाँ से देखिए इसको एक्सपेंड कर लेते हैं हम, तो इसकी यहाँ से मैं एक्सपेंड करता हूँ इसको, तो देखो ये अब मेरा माइनस का वन बाय अल्फा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का वन अपॉन टू बीटा, ठीक है, और माइनस का हाफ, राइट। देन ये तो गया सेकंड वाला, देन इसको इससे किया तो ये हो गया हमारा जो है ज़ीरो, और यहाँ से आ जाएगा प्लस का वन अपॉन टू बीटा, प्लस का वन अपॉन टू बीटा, एंड दिस इज़ गिवन इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अच्छा देन ये कितना हो गया, ये हो गया वन अपॉन टू अल्फा बीटा, और प्लस का वन अपॉन टू अल्फा एंड वन अपॉन टू बीटा इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ से देखो एलसीएम ले लेते हैं अपन, तो ये मेरे पास देखो टू अल्फा बीटा एलसीएम आने वाला है, तो ये बनेगा वन प्लस, ये बन जाएगा बेटा टू, सॉरी टू नहीं, ये टू अल्फा तो गया तो बीटा आएगा ओनली, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, ये आ जाएगा बीटा, और ये प्लस में आ जाएगा मेरे पास अल्फा, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकल के आ रहा है मेरे पास कितना, माइनस वन। तो अल्फा प्लस बीटा दिस इज़ नथिंग बट माइनस वन, ठीक है। तो ये रिजल्ट हम यूज़ करने वाले हैं आगे, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस वन आ गया। देखिए फर्दर आपसे क्या किया गया है, ये जो पॉइंट है अल्फा बीटा इन टू दिस लाइज ऑन दिस प्लेन, तो इसको हम प्लेन में पुट कर देते हैं। देखो यहाँ से क्या वैल्यू आएगा मेरे पास, ये मैं इधर लिख देता हूँ यहाँ पे, तो ये बन जाएगा देखो अल्फा बीटा टू, मैं प्लेन में पुट कर रहा हूँ, दिस इज़ थ्री अल्फा प्लस थ्री बीटा, ठीक है, एंड माइनस, देखिए जेड का वैल्यू कितना है अपने को, जेड का वैल्यू टू दे रखा है, एंड दिस इज़ इक्वल टू, सॉरी ये यहाँ से प्लस मेरे पास जो है प्लस एल इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है। तो यहाँ से प्लस एल इक्वल टू ज़ीरो है, तो प्लस एल इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस वन है, तो यहाँ से थ्री कॉमन लेंगे तो माइनस थ्री बन जाएगा, माइनस थ्री और माइनस टू माइनस फाइव, तो एल का वैल्यू कितना आएगा उधर जाके, एल विल बी इक्वल टू फाइव, राइट। तो एल का वैल्यू फाइव आ गया। तो देखो बहुत ईजी क्वेश्चन था, यहाँ पे बेसिकली अपने को जो है डिटरमिनेंट वैल्यू ज़ीरो दे रखा है, ठीक है, इनका बॉक्स प्रोडक्ट जीरो दे रखा है, वहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आया और एक हमारे पास ये पॉइंट हमने प्लेन में सेटिस्फाई कराया, तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू निकल के आ गया एल का फाइव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल एंड पी
ये प्रॉबिलिटी दे रखा है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन डिनोट द प्रॉबिलिटी दैट एक्स टेक्स द वैल्यू, तो ये रैंडम वैल्यू वेरिएबल जो है क्या क्या वैल्यू ले रहा है, जीरो से लेके फोर तक, ठीक है। और ये जो पॉइंट आपको एक्स कॉमा पी ऑफ एक्स, दिस लाइज ऑन ए फिक्स स्ट्रेट लाइन इन द एक्स वाई प्लेन एंड पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, ठीक है, माइनस दीज वैल्यूज, मतलब इनके अलावा बाकी सारी जो भी वैल्यूज रैंडम वेरिएबल लेगा उसके लिए क्या दे रखा है अपने को, प्रॉबिलिटी जीरो। तो मतलब कहने का उनकी बात नहीं करनी है, बेसिकली हमको किन की बात करनी है, जहाँ पर मेरा एक्स जो है जीरो से लेकर फोर तक रन कर रहा है उसके लिए रेस्पेक्टिव प्रॉबिलिटीज क्या आने वाली है उसकी हम बात करेंगे। तो इफ द मीन ऑफ एक्स इज 5/2, फर्दर हमें मीन का वैल्यू दे रखा है 5/2 एंड वेरियंस ऑफ एक्स इज एल्फा, देन वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 24 एल्फा। तो देखिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव है क्वेश्चन, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ से देखिए एक्स के लिए मेरे पास क्या क्या वैल्यूज हैं, एक्स है मेरे पास 0, 1, 2, 3 एंड 4, ये मेरे पास जो है पांच वैल्यूज एक्स की पॉसिबल है, बाकी के लिए अपना प्रोबेबिलिटी जीरो है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, देखो ये जो पॉइंट है ये आपका लाइन पे लाई कर रहा है, तो अगर मैं एक लाइन एज्यूम करता हूँ, लेट एक लाइन है मेरे पास वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन ले ली मैंने, ठीक है, तो ये पॉइंट इसमें सेटिस्फाई करते हैं, तो देखो वाई की जगह मेरे पास पी ऑफ एक्स है, पी ऑफ एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, रैंडम वेरिएबल की, तो इसको मैं पी एक्स से डिनोट कर रहा हूँ सिंपली, और x मैंने यहाँ सेटिस्फाई करा तो ये बेसिकली x ही है, तो ये mx plus c ऐसा कुछ बन गया। तो ये प्रोबेबिलिटी जो है आपकी बेसिकली इसका फंक्शन जो बन रहा है वो mx plus c बन रहा है, तो यहाँ पर मैं इसको पुट कर सकता हूँ, p ऑफ x मेरे पास क्या है, p ऑफ x मेरे पास है mx plus c, ठीक है बेटा। तो देखो x का वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या बनेगा, ये आपका c बन जाएगा क्या, बिल्कुल c बन जाएगा। x का वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, m plus c। x का वैल्यू 2 लिया तो ये बन जाएगा 2m plus c, देन ये हो गया मेरे पास 3m plus c, और ये बन गया फाइनली 4m plus c। तो ये मेरे पास जो है सारा आ गया। अच्छा अब हम जानते हैं कि ये इनका जो सम होता है दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1, तो अगर मैं इसका समीशन करता हूँ, ठीक है, तो मैं बोलता हूँ समीशन p ऑफ x जो है एक्स आई दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 1, तो ये हमेशा 1 के इक्वल होता है, तो ये कितना बन जाएगा 4, 3, 7, 2, 9 और 10, तो दिस इज 10m प्लस 5c एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो एक इक्वेशन मेरे पास यहाँ पर ही आ गई m और c की टर्म्स में। फर्दर देखो एक और चीज़ हम कर सकते हैं, यहाँ पर आपको मीन दे रखा है ना, मीन क्या होता है आपका समीशन पी आई एक्स आई, तो मैं पहले मैं एक कॉलम बना लेता हूँ p ऑफ x इंटू दिस एक्स आई है, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये मेरा बन जाएगा फर्स्ट वाला जो है 0, ये बन जाएगा मेरे पास m प्लस c, ठीक है, ये बन जाएगा मेरे पास 4m प्लस 2c, ये बन जाएगा 9m प्लस 3c एंड दिस इज 16m प्लस 4c, राइट। तो इनका समीशन करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, मीन आ जाएगा, मीन आपको दे रखा 5/2, ठीक है। तो देखो यहाँ से मैं समीशन पी एक्स आई इंटू एक्स आई, ये आपको दे रखा है 5/2, है ना, तो मीन का फॉर्मूला हमने लगा दिया, ये आपको 5/2 दे रखा है, तो इनका सम करेंगे तो देखो कितना आ रहा है, 16 और 9 ही हो गया 25, 4, 29 और 30, दिस इज 30m और ये कितना हो गया 4, 3, 7, 10 प्लस 10c दिस इज इक्वल टू 5/2, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से जो है देखो 5 से कैंसिल करता हूँ, ये हो जाएगा 6m प्लस 2 और 2 पर आएगा तो 12m प्लस 4c, तो देखो ये क्या बन जाएगा, तो 5 से मैंने 6 टाइम कट गया और ये 2 पर आ गया, तो ये हो गया 12m प्लस, ठीक है, ये 5 से 2 टाइम्स गया, 2 2 4 एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो देखो एक और इक्वेशन मेरे पास यहाँ से आ गया, तो ये दोनों इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करता हूँ, है ना, इफ आई सॉल्व दीज टू इक्वेशंस, तो यहाँ से मेरे पास m का वैल्यू निकल के आता है, m इज इक्वल टू 1/20, ठीक है, और n का वैल्यू बेटा आता है हमारे पास 1/10। तो कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए इसको मैं 2/20 बोल देता हूँ, ताकि हमारा जो है थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो m और n का वैल्यू आ गया हमारे पास, चलिए m और n का वैल्यू आ चुका है, इसका मतलब मैं प्रोबेबिलिटी निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये वाला जो कॉलम है ये क्या बन जाएगा फाइनली, p ऑफ x, m और c का वैल्यू रखेंगे तो m प्लस ये c का वैल्यू आया बेटा, n नहीं है, c है ना, c का वैल्यू निकाला, तो m प्लस c करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, 1/20 प्लस 2/20 दिस इज 3/20, ये बन जाएगा मेरे पास 3/20, ठीक है, सॉरी c का वैल्यू रखना है ना, c तो 2/20 है, तो ये तो 2/20 आएगा ना, नेक्स्ट वाला टर्म जो है दैट विल बी, तो ये 2/20 हो गया, नेक्स्ट वाला बन जाएगा बेटा 3/20, देन उसके बाद क्या है 2m plus c, तो 2m 2 plus 1 2 plus और c का वैल्यू 2, तो क्या बन गया 4/20,
देन इसी तरीके से नेक्स्ट वाला बन जाएगा आपका 5/20 और ये बन जाएगा 6/20, ठीक है। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटीज आ गई बिकॉज हमारे पास m और c का वैल्यू आ चुका है। नाउ यहाँ से क्या करना है अपने को, अब वेरियंस निकालना है। वेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर का मीन में से मीन का स्क्वायर माइनस करते हैं। तो यहाँ से मैं एक्स आई स्क्वायर वाला कॉलम अगर बनाता हूँ तो एक्स आई स्क्वायर को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास एक कॉलम आ जाएगा पी ऑफ एक्स इंटू एक्स आई स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यार पहला वाला वैल्यू तो जीरो आएगा, नेक्स्ट वाला कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर वन ही होगा तो ये 3/20 हो गया, राइट। नेक्स्ट वाला कितना हो जाएगा, फोर फोर दिस इज 16/20। देन नेक्स्ट वाला कितना हो गया आपके पास, 9/5 45/20 हो जाएगा ये। और लास्ट वन 16 × 6 16 × 6 = 96, तो दिस इज 96/20। तो क्या करने वाले हैं, मैं वेरियंस का फॉर्मूला हम लगा देते हैं। तो बेसिकली इनका सम करेंगे तो देखो कितना बनेगा, इनका सम मैं यही लिख देता हूँ, इसका सम कितना आएगा देखो, 96 और 6 ये हो गया आपके पास 112 and 3 115 और 45, दिस इज 160/20। दैट मीन्स ये आ गया मेरे पास कितना, 8 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास वेरियंस का जो फॉर्मूला होता है, वेरियंस का जो फॉर्मूला है दैट इज सम, ये स्क्वायर का मीन निकालिया हमने जो कि कितना है 8 माइनस मीन का स्क्वायर। देखो मीन आपको ऑलरेडी गिवन है 5/2, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 25/4, दिस इज 25/4, ठीक है। तो देखो एलसीएम लिया तो ये कितना आ गया, 32 - 25 दैट इज 7/4, ठीक है। तो 7/4 आपका वेरियंस आ गया। अब आपको देखो क्या बोला है, वेरियंस का वैल्यू जो है वो दे रखा है अल्फा एंड वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 24 अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से 24 अल्फा करना है, तो 24 और अल्फा का वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है 7/4, दिस इज 4 × 6 = 24 and 7 × 6 = 42। तो फाइनल आंसर आ गया हमारे पास कितना, 42, ठीक है। तो थोड़ा कैलकुलेटिव था क्वेश्चन ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखो क्या बोला है, लेट अल्फा एंड बीटा बी द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, वी नीड टू कंसीडर द सेट टी जहां पर जो है 1 और अल्फा बीटा जो कि इसके रूट्स है, ये एक सेट दे रखा है और हमें एक 3×3 का मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। और देखिए ये थोड़ा टर्मिनोलॉजी समझ लें, आर आई यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रो, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर कॉलम, ठीक है। चलिए अब वन बाय वन देखते हैं। तो पहला वाला जो पार्ट देखते हैं, पी वाला, पी में क्या बोल रहा है, देखो बेटा द नंबर ऑफ मैट्रिसेस एम विद ऑल एंट्रीज इन टी सच दैट आर आई एंड सी आई इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई जे। तो मतलब अपने को बेसिकली ऐसा मैट्रिक्स बनाना है जहाँ पर क्या है कि सभी रोज के एलिमेंट का सम और सभी कॉलम के एलिमेंट्स का सम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है। देखो क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, देखो तो हमको जीरो बनाना है। तो देखो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, अच्छा एक बात और देखें, यहाँ से अगर मैं अल्फा प्लस बीटा की बात करूँ, देखो एक चीज़ और है यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है बेटा, -1 आ रहा है यहाँ से, है ना, और 1 है। तो दैट मीन्स हम एक चीज़ और हमारे पास यहाँ पर है कि 1 + α + β दिस इज इक्वल टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया मेरे पास कि 1 + α + β इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर क्या है कि मैं इन्हीं के कॉम्बिनेशन बनाने वाला हूँ, मुझे इसी में से सेलेक्ट करना है। तो देखिए मैं वन ऑफ द केस ले लेता हूँ, बहुत सारी मैट्रिसेस बनेंगी, मैंने 1 α और β ले लिया लेट से यहाँ पर, ठीक है। तो पहली रो मैंने सेलेक्ट करने के कितने तरीके हो गए, 3 factorial है ना, इसके लिए कितने हो गए, 3 factorial ways दैट इज 6, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कॉलम के अंदर, बिकॉज हमें कॉलम का सम भी क्या चाहिए, 0। तो कॉलम के लिए देखो मेरे पास यहाँ पे 2 options है, या तो मैं इधर अल्फा पुट करूँ इधर बीटा, या यहाँ बीटा या अल्फा, तो दो तरीके से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ 2C1। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट जो है कॉलम के लिए जो मैं 2C1 से सेलेक्ट कर सकता हूँ फॉर द कॉलम। तो कॉलम के लिए मैंने सेलेक्ट किया, तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने फॉर एग्जांपल मैंने अल्फा रख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो इफ़ आई पुट अल्फा हेयर तो मुझे यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा बेटा, बीटा रखना पड़ेगा बिकॉज कॉलम का सम 0 चाहिए। और अगर मैंने यहाँ पर अल्फा ले लिया तो फिर यहाँ पर मुझे देखना है क्या होगा। तो देखो अगर मान लेते हैं फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर अल्फा ले लिया, ठीक है, तो यहाँ मुझे क्या लेना है, बीटा लेना है, बिल्कुल लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो मैं क्या लूँ, अल्फा तो आ चुका है तो मुझे 1 या β में से कुछ लेना है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर जो है 1 ले लिया सपोज, ठीक है, तो 1 ले लिया तो क्या होगा, मुझे यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, बीटा। तो अगर मैंने यहाँ बीटा ले लिया तो देखो यहाँ पर मुझे क्या लेना पड़ेगा, बीटा, तो ये तो गड़बड़ हो गया, 2 elements सेम आ गए। इसका मतलब ये है कि आफ्टर सेलेक्शन ऑफ दीज 2 elements बाकी जगह मेरे पास ऑप्शन नहीं है, तो मैं यहाँ पर क्या ले सकता हूँ, मैं मुझे यहाँ पर बीटा ही लेना पड़ेगा, आई कैन नॉट टेक 1 over here। तो यहाँ मुझे क्या लेना पड़ेगा बेटा, यहाँ मुझे बीटा लेना पड़ेगा और यहाँ पर मुझे क्या लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, अब
इधर वन आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा अल्फ़ा। तो इसका मतलब आगे मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, तो बेसिकली यही मेरे पास ऑप्शंस है जिससे मैं सिलेक्शन कर सकता हूँ। तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ से 6 × 2 दैट इज़ 12। तो 12 मैट्रिसेस मेरे पास ऐसी बन जाएंगी जबकि सभी रो के एलिमेंट्स और कॉलम के एलिमेंट्स का सम क्या हो, जीरो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम जो है तो पी का अपने पास ऑप्शन अगर अपन देखें तो पी का, हाँ बिल्कुल ये पी का 12 वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, देन नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस विद ऑल एंट्रीज इन टी सच दैट सी आई जे सी जे इक्वल टू जीरो। ठीक है, मतलब कॉलम का सम हमको जो जीरो चाहिए और मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमको जो है, तो मैं डायगोनल चूज़ कर लेता हूँ पहले। तो डायगोनल के लिए मेरे, मान लो मैंने डायगोनल चूज़ कर लिया 1 अल्फ़ा और बीटा, तो ठीक है फिर से मेरे पास क्या तरीके हो गए, 3 फैक्टर फॉर सेलेक्टिंग द एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल। तो डायगोनल के एलिमेंट मैंने 3 फैक्टर से सेलेक्ट कर लिए। नाउ अब देखिए यहाँ पर मैं क्या लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पर अल्फ़ा लेता हूँ तो हमको कॉलम का सम करना है। यहाँ पर देखिए रो का सम की बात नहीं कर रहा है, हमको केवल क्या करना है, कॉलम का सम जीरो करना है। तो यहाँ पर मैं अल्फ़ा ले सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, तो मुझे यहाँ बीटा लेना पड़ेगा, सम जीरो हो गया। बट बिकॉज मैंने यहाँ पर अल्फ़ा लिया तो मुझे यहाँ क्या लेना पड़ेगा, अल्फ़ा। तो यहाँ पर फिर दिक्कत हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पर अल्फ़ा तो नहीं ले सकता। अच्छा वन तो वैसे ही नहीं ले सकता, तो दैट मीन्स यहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं है, मुझे क्या लेना पड़ेगा, बीटा ही लेना पड़ेगा। और यहाँ बीटा लिया है तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, यहाँ पर भी बीटा आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर फिर क्या आएगा, अल्फ़ा, बिकॉज हमको कॉलम का सम जीरो करना है। एंड बिकॉज दिस इज़ अल्फ़ा, दिस हैज़ टू बी अल्फ़ा, और ये बीटा अल्फ़ा है तो यहाँ पर वन ही होगा, और ये वन है तो ये वन होगा। तो बेसिकली क्या है, हमारे पास जो है सिलेक्शन केवल हमने क्या किया, इन तीनों का किया, डायगोनल एलिमेंट्स का। उसके बाद में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, सारी प्लेसेस जो है फिक्स हो चुकी थी। तो यहाँ पर मेरे पास कितने वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे 6। तो मतलब 6 मैट्रिसेस मैं ऐसी बना सकता हूँ जहाँ पर ये कंडीशन सारी फुलफिल होती है। तो क्यू का मेरे पास क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे क्यू के लिए मेरे पास आ रहा है ये 4 वाला, तो क्यू के लिए मेरे पास हो गया ये 4 वाला हो गया। ठीक है, अच्छा देखो ये यहाँ से जो है Q का 4 अगर अपन देखें 2 में आ रहा है और P का जो है मेरे पास 2 आ रहा है। हाँ, तो अभी इन दोनों में फाइट है हमारे पास। ठीक है, तो R वाला देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो प्रीवियस R वाला देखते हैं। R में देखिए क्या बोला गया है, एक मैट्रिक्स है, अगेन इस बार हमको लेना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और हमसे कहा गया है कि फॉर आई ग्रेटर देन जे तो हमारे सारे एलिमेंट टी को बिलोंग करेंगे। ठीक है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सच, और ये अपने को कुछ रिलेशन दे रखा है कि ये जो मैट्रिक्स बनेगा हमारा विद दिस कंडीशंस दैट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय एक्स वाई जेड इज इक्वल टू दिस थिंग, देन हमें कमेंट करना है यहाँ पर। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, तो देखो यार यहाँ से जो है पहले हम बना लेते हैं ये। तो यहाँ पर देखो फिर से जो है मेरे पास यहाँ तो एलिमेंट जीरो ही आएंगे बिकॉज क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर यार मैं 1 ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये -1 हो जाएगा। ठीक है ना, अगर ये 1 लिया तो ऑब्वियसली -1 हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास 1 अल्फ़ा बीटा जो मैं लेके चल रहा हूँ। अच्छा यहाँ पर मैंने अल्फ़ा ले लिया सपोज, तो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, माइनस ऑफ अल्फ़ा, और अगर मैंने यहाँ पर बीटा लिया है तो यहाँ पर माइनस ऑफ बीटा लेना पड़ेगा नहीं। और इसको मल्टीप्लाई करना है मुझे एक्स वाई जेड से, तो ये हो गया एक्स वाई और जेड, एंड दिस इज इक्वल टू दिस कॉलम मैट्रिक्स ए वन टू क्या हमारा -1 राइट, और ये 0 हो गया, और माइनस ऑफ ए टू थ्री हमारे पास ये रहा, और इसका माइनस करेंगे तो बीटा आ जाएगा यहाँ पर। तो बेसिकली इसको मल्टीप्लाई करके देखो कुछ हमारे पास सेट ऑफ इक्वेशंस बनेंगी, देखते हैं क्या बनता है। तो ये 0 हो गया, ये हो गया मेरे पास माइनस का वाई, माइनस वाई इसे मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ। ठीक है, तो माइनस का वाई, देन माइनस अल्फा जेड, देन इसको इससे करेंगे तो मेरे पास आएगा बेटा एक्स, और ये 0 हो गया, और माइनस का बीटा इंटू जेड। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा एक्स और बीटा वाई, तो अल्फ़ा एक्स ऑन प्लस बीटा वाई। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, तो दोनों ही कॉलम मैट्रिक्स है तो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या सेट ऑफ इक्वेशंस आ रही है, एक आ रहा है मेरे पास माइनस ऑफ वाई माइनस ऑफ अल्फ़ा जेड इज इक्वल टू -1, अदर वन इज एक्स माइनस बीटा जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, और एक मेरे पास आ रहा है अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई इज इक्वल टू बीटा, तो तीन रिलेशन आ रहे हैं यहाँ से। ठीक है, तो देखो यार यहाँ से हम कोई एक वैल्यू एलिमिनेट कर देते हैं, तो देखो एक्स का वैल्यू मैं यहाँ से एलिमिनेट कर देता हूँ, है ना, एक्स का वैल्यू कितना है मेरे पास बीटा जेड, तो यहाँ से बेटा देखो एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है आपके पास, एक्स इक्वल टू बीटा इंटू
जेड, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे सब्सिट्यूट कर देता हूँ, देखो क्या बन जाएगा, एक्स का वैल्यू बीटा जेड करता हूँ मैं, तो अल्फ़ा एक्स का वैल्यू आ गया मेरे पास बीटा जेड, ठीक है ठीक है, देन प्लस बीटा वाई इज इक्वल टू बीटा, ठीक है। देखो यहाँ से बीटा कॉमन आ रहा है, बीटा कॉमन आ रहा है क्या, बीटा कॉमन लेके कैंसिल कर दो, कितना बना ये, ये बन गया आपके पास अल्फ़ा जेड प्लस वाई इज इक्वल टू वन, ठीक है। तो अल्फ़ा जेड प्लस वाई इक्वल टू वन, अच्छा इसको ध्यान से देखो यार, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ क्या मैं, तो अगर मैं इस इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ देखो क्या बनेगा, ये बन जाएगा बेटा अल्फ़ा जेड प्लस वाई इक्वल टू वन, बोलो। तो ये दोनों सेम दिख रही हैं क्या आपको, बिल्कुल ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से इन्फाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे, कितने सॉल्यूशन आ जाएंगे, इन्फाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो देखो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, ये थर्ड वाला, तो आर जो है मैच हो रहा है थर्ड से, तो आर आपका थर्ड से मैच हो रहा है, और एस भी देख लेते हैं, वैसे तो हमारा आंसर आ ही चुका है अभी, ठीक है, बट एस देख लेते हैं, एस क्या बोल रहा है, अगेन एक मैट्रिक्स दे रखी है विद ऑल एंट्रीज इन टी, बिल्कुल ठीक है, सच दैट आर आई इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, ठीक है। आपके बार बोला कि रो के जो एलिमेंट्स हैं उनका सम क्या होगा, जीरो, ठीक है। तो देखो यार ये तो और भी आसान हो गया, अब रो के एलिमेंट हमको जो है वन अल्फा और बीटा में से लेने पड़ेंगे, और एक वन एक अल्फा एक बीटा लेना है, ठीक है। तो हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा कुछ ऐसा बनेगा यार, मान लो यहाँ मैंने वन ले लिया, यहाँ अल्फा ले लिया और यहाँ बीटा ले लिया, है ना, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, मैं एक पॉसिबिलिटी ले रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जो है कुछ भी ले लो यार, मान लो यहाँ अल्फा ले लिया, यहाँ वन ले लिया, यहाँ बीटा ले लिया, ठीक है, सम तो जीरो करना ही है। तो यहाँ पर फिर से मैं कुछ और कर सकता हूँ, मान लो यहाँ पर मैंने बीटा ले लिया आपकी बार, ठीक है, और यहाँ पर मैंने अल्फ़ा ले लिया और यहाँ वन ले लिया, ठीक है। तो देखो इन सभी में क्या हो रहा है, अगर मैं किसी भी कॉलम पे ऑपरेशन लगाता हूँ, इफ़ आई से कॉलम वन पे मैं क्या करता हूँ, सी वन प्लस सी टू प्लस थ्री सी थ्री, तो मेरे पास वन प्लस अल्फा प्लस बीटा क्रिएट हो जाएगा पहले कॉलम में, ठीक है। और वन प्लस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमने पहले लिखा था वो जीरो है, दैट मीन्स एक कॉलम आपका जीरो हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो आ जाएगा, जीरो अपना ऑप्शन है फाइव, बिल्कुल हमारा एस फाइव ही आ रहा था, दैट मीन्स हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा कैलकुलेटिव था, ठीक है, बाकी बहुत मुश्किल नहीं था क्वेश्चन, ये मीडियम लेवल में इसको अपन डाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चों। लेट द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू 2x टच अ सर्कल विथ सेंटर 0 कॉमा अल्फा वेयर अल्फा इज ग्रेटर देन 0 एंड रेडियस r एट अ पॉइंट a1, लेट b1 बी द पॉइंट ऑन द सर्कल सच दैट लाइन सेगमेंट a1 b1 इज डायमीटर ऑफ द सर्कल, देन आपको ये एक्सप्रेशन दे रखा है अल्फ़ा प्लस आर इज इक्वल टू 5 प्लस रूट 5, और यहाँ से अल्फ़ा और ये गामा है बेसिकली, और ए वन बी वन के जो है मुझे कोऑर्डिनेट निकालने हैं। देखो एक बार एक डायग्राम इसका थोड़ा सा हम बना लेते हैं, तो कुछ इस तरीके से सिनेरियो है, आपका जो सर्कल जो है 0 कॉमा अल्फा उसका सेंटर है और अल्फ़ा पॉजिटिव है, तो बेसिकली सेंटर आपका जो सर्कल बनेगा ना वो यहाँ बन जाएगा ऊपर कुछ ऐसा, तो ये हमारा सर्कल बन गया इस तरीके से कुछ, है ना, ये सेंटर हमारा क्या है बेटा 0 कॉमा अल्फा, राइट, और ये y इक्वल टू 2x की लाइन है जो कि इसकी टेंजेंट है, इस तरीके से जा रही है, ठीक है। ये इसको सेंटर से जोड़ देते हैं, दिस इज परपेंडिकुलर, ये हमारी लाइन कौन सी है, y इक्वल टू 2x की लाइन है, ठीक है, y इक्वल टू 2x की लाइन है हमारे पास। अच्छा y इक्वल टू 2x अगर अपन देखें तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि tan थीटा जो है हमारा क्या है, अगर मैं इस एंगल को थीटा बोलता हूँ तो tan थीटा हमारा क्या हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिख सकता हूँ यहाँ पर, यहाँ से इसमें इसके कोऑर्डिनेट लिख सकता हूँ, ये लेंथ अपन मान लेते हैं a है, ठीक है, तो ये लेंथ अगर मैं मान लेता हूँ ये a है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, a cos थीटा और a sin थीटा, ठीक है, a cos थीटा a sin थीटा इसके कोऑर्डिनेट हो गए, ठीक है। अच्छा यहाँ से cos और sin निकालना पड़ेगा अपने को, ठीक है, तो यहाँ से देखो अपने पास cos थीटा कितना आएगा, tan थीटा ये, तो sin थीटा देख लेते हैं पहले, sin थीटा हो जाएगा बेटा आपके पास कितना 2/√5 और कॉस थीटा हो जाएगा बेटा 1/√5, ये साइन कॉस आ गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा अब बेसिक कॉन्सेप्ट में हमको पता है कि अगर कोई भी लाइन टेंजेंट है तो उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से जो है रेडियस के इक्वल होती है ना, तो यहाँ पर मेरे पास लाइन जो थी वो है लाइन 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 और इसकी सेंटर से डिस्टेंस, सेंटर के मेरे पास 0 अल्फा, तो इसका डिस्टेंस रेडियस के इक्वल आएगा बिल्कुल, तो ये पुट कर देते हैं, तो ये हो गया 0 माइनस अल्फा अपॉन ये हो गया रूट 5 एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच आर, ठीक है। तो अल्फ़ा आपको पॉजिटिव ही दे रखा है, तो यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास, अल्फ़ा निकल के आ जाएगा मेरे पास रूट फाइव आर, ठीक है, तो रूट फाइव आर आ गया हमारे पास अल्फ़ा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और है, यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन और निकाल सकते हैं, पहले तो आप अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ रूट फाइव आर पुट कर देते, देखो यहाँ से, है ना, तो क्या बन रहा है ये आ रही है आपका, तो देखो यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू पुट किया मैंने रूट फाइव आर, तो देखो क्या बन जाएगा रूट फाइव, गामा लग रहा था एक्चुअली आ रही है वो, है ना, रूट फाइव आर
प्लस आर एंड दिस इज इक्वल टू, देखो यहाँ से रूट फाइव कॉमन ले सकते हैं क्या, रूट फाइव कॉमन ले लो यहाँ से, क्या बन गया ये बन जाएगा अंदर रूट फाइव प्लस वन, और देखो यहाँ से आर कॉमन लेता हूँ मैं तो ये भी क्या बन रहा है आपका रूट फाइव प्लस वन, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा क्या, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा, रूट फाइव प्लस वन विल कैंसिल आउट, और यहाँ से आर का जो वैल्यू आ रहा है मेरे पास वो आ रहा है कितना रूट फाइव, आर का वैल्यू आ गया आपके पास रूट फाइव, ठीक है। अच्छा तो अल्फ़ा भी आ जाएगा, अल्फ़ा कितना आ जाएगा आपके पास, अल्फ़ा है आपका रूट फाइव आर, तो अल्फ़ा का वैल्यू आ जाएगा आपके पास फाइव, तो आर और अल्फ़ा का वैल्यू हमारे पास निकल के आ गया। अच्छा फर्दर अब ए पे काम कर लेते हैं, तो देखो यार ये ट्राइंगल की अगर मैं बात करूँ, ये जो ट्राइंगल है मेरे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ से ये लेंथ आपकी कितनी है, यहाँ से जो लेंथ है आपकी ये आपकी ए है, कितनी है ये ए है, ये रेडियस है, और ये लेंथ कितनी है आपकी जीरो कॉमा अल्फ़ा, तो ये लेंथ अल्फ़ा है, तो यहाँ पर अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ तो देखो क्या हो जाएगा आपका, अल्फ़ा स्क्वायर जो है दैट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अल्फ़ा का वैल्यू हमारे पास है, आर का वैल्यू मेरे पास है, तो ए आ जाएगा यहाँ से, तो ए स्क्वायर कितना आएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर हो गया 25 और आर स्क्वायर हो गया मेरे पास 5, दैट मीन्स 20, तो ए का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास, ए जो है आपका आ जाएगा 2√5, ठीक है, ए का वैल्यू आ गया 2√5, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट आ गया मेरे पास, अच्छा देखो कौन कौन से ऑप्शन अब तक आ चुके हैं मेरे पास, अल्फ़ा का वैल्यू मेरे पास आया कितना 5, तो एक तो देखो आपका ये ऑप्शन मैच हो गया बेटा, इसका 4 आ गया, देन आर का वैल्यू आपके पास आ रहा रूट फाइव, तो ये आपका रूट फाइव मैच हो गया बिल्कुल। अच्छा ए के कोऑर्डिनेट की बात करें, A1 ये वाला पॉइंट जो है इसको A1 से डिनोट किया गया है, और इसमें देखिए आगे बोला गया था आपसे कि बी वी द पॉइंट ऑन द सर्कल सच दैट लाइन सेगमेंट A1 B1 इज डायमीटर, दैट मीन्स वो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है, तो अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ तो ये पॉइंट मेरा क्या है B1, ठीक है। तो B1 के कोऑर्डिनेट निकालने और A1 के निकालने हमको अभी, तो A1 के लिए देखें यहाँ से A cos थीटा A sin थीटा कर सकते हैं, तो A1 के कोऑर्डिनेट तो फटाफट से आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो A1 के कोऑर्डिनेट मैं निकाल लेता हूँ पहले, A cos थीटा, A का वैल्यू आपके पास 2√5 और cos थीटा कितना आपके पास, cos थीटा मेरे पास 1/√5, तो ये कितना आ गया, ये 2 आ गया आपके पास, है ना। और दूसरा है मेरे पास A sin थीटा, तो अगेन A इज 2√5 और sin थीटा जो आपके पास वो है 2/√5, तो ये आ गया 4, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट आ गया आपके पास कितने, 2,4, तो A1 के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं 2,4, तो ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है आपका फिफ्थ वाला, ठीक है। नाउ B1 के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बहुत आसान है, B1 के कोऑर्डिनेट आप निकाल लें, आपको देखो आपको पता है सेंटर जो है वो आपका जो है मिड पॉइंट है, ठीक है, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है, तो ये B1 जो है आपके इसके कोऑर्डिनेट आप मान लो x1, y1 और ये आपके पास 0, α, अल्फ़ा का वैल्यू आपके पास 5 है ऑलरेडी, तो ये 0, 5 हो गया, ये आपके पास आ ही चुका है 2,4, तो मेरे ख्याल से यार ये तो बहुत आसान है, यहाँ से अपन जो है मिड पॉइंट है ये इसका, तो यहाँ से अपन x1, y1 निकाल सकते हैं, और x1, y1 निकालते हैं मेरे ख्याल से आई थिंक ये -2,6 आता है, एक बार चेक कर लेते हैं, चलो तो x1 + 2 = 0, तो x1 तो 2 आ रहा है, -2 आ रहा है बिल्कुल, तो ये वाला हो सकता है, और y1 भी निकाल लेते हैं, y1 + 4/2, तो ये हो गया 10, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा बिल्कुल, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन आ जाएगा इसका, तो B1 का क्या हो गया, थर्ड हो गया। तो क्या सीक्वेंस आ रही है हमारे पास, फर्स्ट का आ रहा है हमारे पास 4, देन हमारे पास सेकंड का आ रहा है 2, तो 4, 2, 5 और 3, 4, 2, 5, 3 आ रहा है, चेक कर लेते हैं, 4, 2, 5, 3 बिल्कुल, ये ऑप्शन सी जो है मैच कर जाएगा हमारा, ठीक है ना, ठीक है, 4, 2, 5, 3 हो गया, भूकंप आ गया ये लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, आपको जो है लाइंस दे रखी है L1 एंड L2 और ये इंटरसेक्ट करती हैं, आपसे कह दिया गया ऑलरेडी इसने, और बोले R1 बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो कि हम निकाल सकते हैं बहुत इजीली, एंड O इज ओरिजन एंड n कैप डिनोट अ यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन कंटेनिंग बोथ द लाइंस, दैट मींस इन दोनों के जो है डायरेक्शन रेशियोज का हम क्रॉस ले लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास n वेक्टर आ जाएगा और उसका हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे, दैट विल रिप्रेजेंट n कैप, ठीक है। तो मैच दो कॉलम आ गए हैं, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा, L1 और L2 को चेक करते हैं क्या बन रहा है। तो देखो इसके जनरल पॉइंट में इसको इक्वल टू लैम्डा ले लेते हैं हम, और ये इक्वल टू क्या हो गया मेरा म्यू, ठीक है। तो जनरल पॉइंट इक्वेट कर रहा हूँ मैं डायरेक्टली, ये बन जाएगा λ-11 एंड दिस इज इक्वल टू 3μ-16, 3μ-16, ठीक है। देन ये इक्वेशन बन जाएगा मेरे पास λ-3μ = -5, ये इक्वेशन 1 बन गया, ठीक है। देन
सेकंड वाले हम जो है इक्वेट करते हैं, ये बनेगा 2λ-21, ठीक है, दिस इज 2λ-21 एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 2μ-11, 2μ-11, तो ये कितना आ गया, 2λ माइनस का 2μ इज इक्वल टू 10, ठीक है, प्लस 21-11 इज 10, ठीक है, तो ये दो इक्वेशन बन रही है मेरे पास, तो यहाँ से थोड़ा सा इसको मैं अगर कॉमन ले लूँ तो 2, तो लैम्डा माइनस म्यू आ रहा है मेरे पास 5, ठीक है, अच्छा तो ये सबट्रैक्ट कर देते हैं हम, लैम्डा में उड़ा देंगे, तो यहाँ से इक्वेशन 1-2 करते हैं, तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, ठीक है, ये क्या दे देगा मुझे, देखो लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, -3μ प्लस म्यू, दिस इज माइनस का 2μ एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, -5 और -5 दैट इज -10, तो म्यू का वैल्यू कितना आ गया निकल के आपके पास, म्यू का वैल्यू आ गया 5, ठीक है, म्यू का वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पर कहीं पर भी, देखो यहाँ पुट कर दिया तो लैम्डा का वैल्यू यहाँ से मुझे मिल रहा है 10, तो म्यू और लैम्डा का वैल्यू मिल गया मुझे, ठीक है, अच्छा इसका तीसरा जो है तीसरे कोऑर्डिनेट जो है वो भी हम कंपेयर कर लें, क्योंकि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन मतलब ये इंटरसेक्ट कर रही है तो इक्वेट होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए, दिस इज 3λ-29, 3λ-29 एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज गामा इंटू म्यू और -4, ठीक है, लैम्डा म्यू के वैल्यू पुट करते हैं, लैम्डा 10 है तो ये 30-29 ये हो गया 1 लेफ्ट हैंड साइड में, और म्यू का वैल्यू मेरे पास 5 है तो ये हो गया 5 टाइम्स गामा -4, तो गामा का वैल्यू देखो निकल के आ गया यहाँ से 1, तो गामा का वैल्यू तो 1 आ गया हमारे पास, ठीक है, चलिए और ये एन कैप हम निकालते हैं नेक्स्ट में, तो पहले देखते हैं मैच द कॉलम्स क्या क्या हैं इसके अंदर, बिल्कुल एक तो गामा का वैल्यू पूछा है तो गामा का वैल्यू तो हमारे पास 1 आ ही चुका है ऑलरेडी, तो ये तो हमारा मैच हो गया, नेक्स्ट अ पॉसिबल चॉइस फॉर एन कैप, तो एन कैसे निकलेगा यार, दोनों का हम क्रॉस ले लेंगे यहाँ से, तो एन निकालने के देखो एन वेक्टर जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज आई जे के और ये हो गया 1, 2, 3 एंड दिस इज 3, 2, इसका वैल्यू 1 आ चुका है, 1 पुट कर देते हैं, ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या बनेगा, ये हो गया 2-6 दैट इज माइनस का 4i, देन दिस इनटू दिस 1-9-8 और माइनस तो प्लस का 8j एंड दिस वन 2-6 इज माइनस का 4, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ से माइनस का 4 तो ये बन जाएगा i माइनस का 2j और प्लस का के कैप, ये मेरे पास आ गया एन वेक्टर, ठीक है, हमको क्या निकालना है बेटा, एन कैप निकालना है ना, तो एन कैप निकाल सकते हैं, देखो यहाँ से एन कैप क्या हो जाएगा यूनिट वेक्टर, तो इसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो देखो ये कितना हो जाएगा 4+1 और +1 6 √6, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/√6 आई कैप -2/√6 जे कैप और प्लस का 1/√6 के कैप, है ना, तो ये आपके पास एन कैप आ गया, तो चेक कर लेते हैं यहाँ से 1/√6 -2/√6 और 1/√6, बिल्कुल ये ऑप्शन ये आ रहा है आपका, तो इसका हो गया ऑप्शन 4, ठीक है, फर्दर ओ आर वन की बात करते हैं, तो आर वन आपके पास कितना आ रहा है, देखो आर वन आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, तो यहाँ से पहले हम आर वन निकालते हैं, हमने जनरल पॉइंट लिख रखे हैं, ठीक है, तो देखो लैम्डा म्यू का वैल्यू पुट करेंगे तो हमको किसी भी एक में पुट कर सकते हैं, तो यहाँ से देखो अगर मैं लैम्डा म्यू पुट करता हूँ तो क्या बन रहा है हमारे पास, जनरल पॉइंट हमने लिखे थे ये रहे, किसी एक के ले लेते हैं, तो लैम्डा हमारे पास 10 है तो ये आ गया -1 और लैम्डा 10 यहाँ रखा तो कितना आ गया -1 और यहाँ रखा 30-1 तो -1-1, ठीक है, तो देखो यहाँ से यार इसके कोऑर्डिनेट आ गए -1, -1 और 1, ठीक है, आपसे बोला है ओ आर वन वैक्टर निकालना है आपको, तो ओ आर वन वैक्टर ओ तो ओरिजन ही है, तो बेसिकली ओ आर वन वैक्टर आपका जो यही बन जाएगा बेटा माइनस का आई माइनस का जे और प्लस का के कैप, तो ये वाला ऑप्शन मैच कर जाएगा, ठीक है, और इनका डॉट निकालना है एन के साथ में, तो एन कैप मेरे पास आया था कितना 1/√6 आई कैप -2/√6 जे कैप और +1/√6 के कैप, है ना, तो इसका इसके साथ डॉट लेना है, तो देखो क्या बन जाएगा माइनस का 1/√6 माइनस प्लस का 2/√6 और प्लस का 1/√6, तो ये कैंसिल आउट हो गया, 2/√6 को क्या लिख सकते हैं अपन, √2 से नीचे कैंसिल किया तो 2/3 आ जाएगा √ओवर, दैट मीन्स ऑप्शन 5, तो ये इसका ऑप्शन 5 मैच कर गया, ठीक है, देखो एस का 5 आ रहा है और आर का हमारा आ रहा है 1, बिल्कुल
और q का 4 आ जाएगा बिल्कुल, और ये इसका आ गया हमारे पास 3, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डिफरेंशिएबिलिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है आपका ये, और देखिए यहाँ से क्या बोला गया आपसे, एक फंक्शन डिफाइंड है आर से आर में, जी डिफाइंड है आर से आर में, बी ए फंक्शन डिफाइंड बाय दिस थिंग एंड जी इज़ दिस, तो एच एक्स दे रखा है, काफ़ी बड़ी सारी चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मैच द कॉलम में क्या है। बिल्कुल अच्छा, तो देखो यहाँ पर ए बी सी का कुछ डी का वैल्यू दे रखा है और हमको जो एच एक्स फंक्शन के बारे में पूछ रहा है ना, तो एच एक्स फंक्शन हमको देखो ये दे रखा है बेटा, ये एच एक्स फंक्शन है। तो पहला ऑप्शन देखें यहाँ पर, पहले ऑप्शन में क्या है, देखो यहाँ पे ऑप्शन से करना ठीक रहेगा। पहले ऑप्शन में देखिए सभी की वैल्यू जीरो है एक्सेप्ट बी, बी का वैल्यू वन दिया हुआ आपको है ना, तो अगर मैं बी का वैल्यू वन लेता हूँ तो देखो क्या बन जाएगा, ये मेरा एच एक्स इसके बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा एच एक्स मेरा जी एक्स प्लस जी ऑफ, तो एच एक्स फंक्शन जो हमारा बनेगा दैट विल बी इक्वल टू जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ वन बाई टू माइनस एक्स, ठीक है ये बन गया मेरे पास। अच्छा जी एक्स फंक्शन आपको दे रखा है तो 1 बाई टू माइनस एक्स आपको निकालना है यहाँ से ना, तो 1 बाई टू एक्स माइनस निकाल लेते हैं हम। तो देखो जी एक्स फंक्शन तो ऑलरेडी गिवन है, मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ जी ऑफ 1 बाई टू माइनस एक्स, ये क्या आएगा अपना, ठीक है। तो देखो यहाँ से रिप्लेस करते हैं, एक्स को 1 बाई टू माइनस एक्स है ना, तो 1 माइनस टू टाइम्स 1 बाई टू माइनस एक्स है ना, एक्स को रिप्लेस किया हमने 1 बाई टू माइनस एक्स से, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बन रहा है, देखो ये आपका 1 कैंसिल हो गया और प्लस का 2x आ रहा है, ठीक है प्लस का 2x आ रहा है, बिल्कुल प्लस का 2x आ रहा है। और ये भी चेक कर लेते हैं, तो अगर हमारा जो है x 1/2 माइनस x जो है 0 से हाफ है, तो माइनस हाफ करेंगे तो माइनस हाफ से 0 देन माइनस मल्टीप्लाई, तो 0 से हाफ ही आ रहा है ये है ना। तो फाइनली देखो ये आपका वही आ रहा है, ये अनचेंज्ड है, ये आपका 0 से हाफ ही आ रहा है और बाकी टाइम 0 है अदरवाइज, ठीक है ठीक है। तो ये आपका जो है, तो ये जी ऑफ 1/2 माइनस एक्स आ गया और जी एक्स आपको ऑलरेडी दे रखा। अब देखो इन दोनों को मुझे क्लब करना है, इन दोनों को ऐड करना है, तो इन दोनों को ऐड करो देखो, और डोमेन सेम है तो बहुत इजीली आप ऐड कर सकते हैं, तो ऐड करेंगे देखो 1 माइनस 2x और यहाँ पे प्लस 2x है, तो देखो यहाँ से जो है ये क्या बन जाएगा आपका, मैं यहाँ लिख देता हूँ ये फंक्शन क्या बनेगा आफ्टर एडिशन, ये बन जाएगा आपका 1, ठीक है व्हेन x लाइज बिटवीन 0 टू 1/2, ठीक है, और अदरवाइज तो 0 आ ही रहा है, 0 अदरवाइज। तो अगर हम देखें तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास, एच एक्स इज़ 1 1, नहीं 1 1 तो नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, डिफरेंशिएबल भी नहीं है, रेंज ऑफ ये आ जाएगा बेटा 5 वाला है ना, तो इसका ये आ जाएगा, क्योंकि देखो रेंज में आपके पास दो ही वैल्यू आ रही है 0 और 1 है ना, ठीक है। तो अगर हम ग्राफ देखें तो यहाँ से देख सकते हैं आइदर ये 1 होगा या फिर 0 होगा, तो इसकी रेंज में दो ही एलिमेंट आ रहे हैं 0, 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में हमारे पास क्या वैल्यू दे रखी है, अब की बार देखो ए 1 दे रखा है बाकी सारे 0 हैं, दैट मीन्स एच एक्स क्या बन जाएगा आपका, तो आपका एच एक्स फंक्शन क्या बनेगा आपकी बार, ये बन जाएगा एफ एक्स के इक्वल, और एफ एक्स आपको दे रखा है ऑलरेडी, तो देखो एच एक्स जो है आपका इस केस में दिस इज सिंपली इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स को हम डिफाइन कर लेते हैं यार। तो देखो अगर हमारा एफ एक्स को हमको डिफाइन करना है तो यहाँ पर जो है बॉर्ड लगा हुआ है, तो एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए क्या बन जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन 0 दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर साइन 1/x, दिस इज एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1/x, एंड व्हेन एक्स इज लेस देन 0 दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1/x है ना, साइन ऑफ 1/x, और नॉट इक्वल टू 0 के लिए 0 दे रखा है ऑलरेडी, तो हमने फंक्शन डिफाइन कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से देखें, ये बहुत कॉमन सा जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पर एक बार देखें हमारा फर्स्ट का जो 5 आ रहा है, तो यहाँ से हम तो रूल आउट कर सकते हैं, देखो तो बी और सी में से हमको सेलेक्ट करना है, तो क्यू के लिए हमारे पास 2 और 3 ऑप्शन दे रखे, दैट मीन्स या तो ऑन टू या फिर डिफरेंशिएबल, तो डिफरेंशिबिलिटी हम चेक करते हैं देखो, तो डिफरेंशिबिलिटी अगर हम चेक करते हैं यहाँ पर, तो f डैश ऑफ 0 प्लस की बात करें, देखो ये क्या बन जाएगा आपका एच स्क्वायर साइन ऑफ 1/h और माइनस का 0 अपॉन एच, देखो h एक h से एक h कैंसिल हो गया और ये आपके पास बन गया 0 इंटू सम फाइनाइट क्वांटिटी, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 0। सिमिलरली जैसे आप f डैश ऑफ 0 माइनस निकालेंगे तो ये भी मुझे दिख रहा है, ये भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और आपका ये भी 0 दे रखा है, तो यहाँ से देखो LHD सेम आ रहा है, दैट मीन्स फंक्शन क्या है डिफरेंशिएबल है, और अगर 0 पर डिफरेंशिएबल तो बाकी जगह बिल्कुल डिफरेंशिएबल है, दैट मीन्स इसका जो है मेरे पास हो जाएगा H इज़ डिफरेंशिएबल ऑन R, ठीक है। तो इसका 3 हो गया, देन R2 और S4 है, तो R2 और S4 तो कहीं देख ही रखा, तो देख चेक कर लेते हैं यहाँ पर क्या है, C1 दे रखा है आपको देखो इसके अंदर R के अंदर,
तो सी वन फिर से वहीं जाना पड़ेगा, तो एच एक्स आपका बनेगा एक्स माइनस जी एक्स, है ना। एच एक्स आपका बन रहा है आपकी बार एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, ठीक है। जी ऑफ एक्स तो आपको दे रखा है, ठीक है। तो देखो ये क्या बन जाएगा यार, एक्स माइनस करेंगे जी ऑफ एक्स से, तो एक्स माइनस माइनस प्लस थ्री एक्स माइनस वन और ज़ीरो। देखो ये बन जाएगा आपका थ्री एक्स माइनस वन और ये बन रहा है ज़ीरो, है ना, ठीक है। ये नहीं, ये एक्स बन जाएगा ना, ज़ीरो नहीं, ज़ीरो तो था ऑलरेडी, एक्स बन जाएगा अदरवाइज। तो ये तो बन गया आपका ज़ीरो से लेके वन बाई टू के लिए, ये बन गया अदरवाइज। तो इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं हम, है ना। इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखो क्या बन रहा है। ये देखो यार थ्री एक्स माइनस वन आ रहा है, और अगर हम एक्स ज़ीरो करते हैं तो इसका वैल्यू आ रहा है माइनस वन, तो ये माइनस वन से चल रहा है यहाँ पर। और हाफ पे क्या वैल्यू आ रहा है देख लेते हैं, वन बाई टू पे वैल्यू क्या आ रहा है इसका, वन बाई टू पे थ्री बाई टू माइनस वन हाफ ही आ रहा है, तो हाफ पे वैल्यू हाफ आ रहा है आपका, है ना। तो कुछ इस तरीके से बनेगा ये, है ना, ऐसा कुछ बन जाएगा ये, ठीक है। ज़ीरो से लेके हाफ में दोनों टाइप जो है डार्क सर्कल आएगा। देन इसके बाद में देखो अदरवाइज हमेशा क्या वाई इक्वल टू एक्स, तो वाई इक्वल टू एक्स की लाइन ऐसे चलती है, तो ऐसा चला जाएगा ये और इधर चला जाएगा ऐसे, ठीक है। तो इस तरह का ग्राफ बन रहा है, जब आराम से बहुत ईजिली देख सकते हैं इसको आप, ये क्या हो रहा है आपका रेंज पूरा आ रहा है इसके अंदर, है ना, ठीक है। वन वन तो है ही नहीं ऑब्वियसली, रेंज आप देखें तो माइनस आर से माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी, दैट मीन्स इसका हम बोल सकते हैं रेंज क्या है, एच क्या है, ऑन टू है इसमें, इस केस में हम बोल सकते हैं ऑन टू है, ठीक है ना। भाई जीरो से वन तो है नहीं रेंज, तो इसका माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आ रहा है, ठीक है। और आपका अगर आप देखें कोडोमेन, तो आपका कोडोमेन आपको आर ही दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, दोनों का। तो ये आपका जो है, अच्छा नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट में डी वन दे रखा है आपको, है ना। तो डी वन है तो देखो क्या हो जाएगा, डी वन है तो ये बेसिकली जी एक्स के इक्वल हो गया ना, तो जी एक्स तो हमने बनाया था अभी, जी एक्स तो आपको दे रखा है ऑलरेडी, है ना। तो जी एक्स बना लेते हैं वन माइनस टू एक्स और ज़ीरो, वन माइनस टू एक्स और ज़ीरो। तो जी एक्स का ग्राफ बनाते हैं ज़ीरो से लेके हाफ में, वन माइनस टू एक्स और बाकी जगह ज़ीरो है, तो मतलब यहाँ पे जो है वन बाई टू पे वैल्यू देख लेते हैं कितना आ रहा है, वन माइनस टू एक्स है ना, तो ये आपका ज़ीरो ही आ रहा है आपका, ठीक है। एक मिनट फिर से देख लेते हैं, हाफ माइनस एक्स्ट्रा आई थिंक, है ना, हाँ वन माइनस टू एक्स इनफिनिटी है ना, तो वन माइनस टू टाइम्स ऑफ, और एक्स वन बाई टू पे वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ मैं, तो ये ज़ीरो आ रहा है बिल्कुल, है ना। और ज़ीरो पे वैल्यू कितना आ रहा है इसका, वन, ठीक है, ज़ीरो पे वन आ रहा है, ऑल राइट। तो ज़ीरो पे वैल्यू आ रहा है वन, यहाँ पे आ रहा है वन बाई टू, तो ऐसा कुछ बनेगा आपका, ये बन जाएगा आपका, है ना, हाफ माइनस एक्स। अच्छा इसके अलावा देखो हर जगह ज़ीरो है, तो ये इधर ज़ीरो है पूरा, और इधर भी क्या है आपका ज़ीरो ही ज़ीरो है। तो अगर आप रेंज की बात करें यहाँ पे देखो, तो रेंज आपकी क्या आ रही है, ज़ीरो से लेके वन के बीच में आ रही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका फोर्थ वाला, ठीक है। तो यार इसका आ रहा है मेरे पास फाइव आ रहा है बिल्कुल, क्यू का आपका थ्री आ रहा है, देन आपका टू आ गया, लास्ट में फोर आ गया, है ना। तो ये आपका जो है आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन ही था आपका, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच मुझे सुनने के लिए, आई होप आप सब लोगों का पेपर अच्छा ही गया होगा। आशा करता हूँ हमारे टॉप एजुकेटर का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।